hello everyone this is me Rahul Bharadwaj, and I welcome you all to let's crack UPSC CSC and uh, this session is going to be very very important okay uh, since uh, uh, I've been getting a lot of queries okay a lot of queries regarding the problems strategy sir so time bacha hai, target karna hai, okay because almost you have okay the date hai, that is of 27th of June okay ट्वेंटी सेवन जून को आपका आई ए एस का प्रोलिम्स है दैट इज़ ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी वन एंड टेंथ फेब को आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा दस फरवरी को इस तरह से आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा ट्वेंटी सेवन्थ को आपका एग्ज़ाम है सो वॉट स्ट्रैटी ओके यू शुड फॉलो इसके ऊपर हम बात करेंगे कि कैसे जो फर्स्ट के कुछ आपके डेज हैं ओके फर्स्ट फोर्टी फाइव डेज़ हैं उनमें कैसे आगे बढ़ना है नेक्स्ट फोर्टी फाइव डेज़ में ओके okay, इस तरह से हमने uh, चार सेक्शन में मैंने आपके डिवाइड किया है हैव अराउंड वन एटी टू टू हंड्रेड डेज समथिंग लाइक दिस ओके तो उनको हमने चार पार्ट्स में इस तरह से डिवीज़न किया है पहले आपका शुरू के जो डेज हैं उनमें किस तरह से फोकस रहेगा ऑब्वियसली द फोकस वुड बी टू कवर द सलेबस ओके लेकिन सिलेबस कवर तो करना है किस तरह से कवर करना है कौन से सब्जेक्ट्स को पहले अप्रोच करना है क्या टाइम टेबल फोकस करना है क्या अप्रोच फॉलो करनी है वेल यूर यू आर कवरिंग द सलेबस और ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट ओके okay, कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी है स्टैंडर्ड बुक लिस्ट आपको मैं एक बार बता दूंगा करंट अफेयर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं सो विल टॉक अबाउट ऑल दिस थिंग्स इन डिटेल हियर सो दिस सेशन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओके आप अपना जो पेपर uh, और पेन लेके बैठिए ओके okay? जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको ध्यान से सुनिए और फिर अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाइए और सबसे बड़ी बात है उस स्ट्रेटी को एग्जीक्यूट करना ओके okay? एग्जीक्यूट करना सो विल टॉक अबाउट दिस strategy and uh, let us see how uh, how to move uh, and as far as uh, your examination is concerned uh, okay uh, so this strategy is based on uh, the nature of the examination how unpredictability focus so here uh, I'm sharing this strategy with uh, my experience okay uh, because uh, I cracked the problems back-to-back -back and in my first attempt as well सो ऑल द आइडियाज़ आई विल भी शेयरिंग स्पेशली सिक्स मंथ स्ट्रैटेजी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एंड बिफोर वी मूव ओके बिफोर वी मूव टू द स्ट्रेटी लेट मी ब्रीफ यू अबाउट एन अकेडमी प्लेटफॉर्म एंड अन अकेडमी का जो प्लेटफॉर्म है आप सभी जानते हैं एंड दिस बैच इज ऑल्सो कमिंग ओके सिक्स मंथ ही आपका बैच कोर्स भी आ रहा है सो यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन दिस सो so, ये सिक्स मंथ आपका बैच कोर्स भी इसीलिए लॉन्च किया गया है बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट एंड द डिमांड कि एक डेडिकेटेड कोर्स हमें चाहिए सो so, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स यू हैव दिस कोर्स इन द बाइलिंग लैंग्वेज फिफ्टी ऑफ दिसंबर से ये आपका स्टार्ट हो रहा है ओके फिफ्टींथ ऑफ दिसंबर से आपका ये बैच कोर्स स्टार्ट हो रहा है यू कैन गेट एक्सेस टू दिस बैच कोर्स जो ट्वेंटी वन में अपियर हो रहे हैं बच्चे उनके लिए है एंड सिमिलरली जो ट्वेंटी टू में अपियर हो रहे हैं उनके लिए कंप्लीट बैच कोर्सेज भी अवेलेबल हैं ट्वेंटी थ्री के लिए भी हैं बाई हिंदी इंग्लिश ओके अलॉन्ग विथ टॉप एजुकेटर्स ऑफ द इंडिया फाइन सो यू कैन ऑक फॉर दिस एंड यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है डेली लाइव क्लासेज स्ट्रक्चर्ड कोर्सिज एंड यू गेट ऑल दीज थिंग अनलिमिटेड टेस्ट प्रैक्टिस है आपकी ओके यू कैन गो फॉर सेक्शनल टेस्ट मॉक टेस्ट फुल एंड टेस्ट एंड यू विल गेट द एनासिस ऑफ दिस टेस्ट एज वेल ओके ऑफ योर परफॉर्मेंस एक्सेट्रा

फर्स्ट फोर्टी फाइव डेज की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लुक द फर्स्ट प्रायोरिटी ओके फर्स्ट प्रायोरिटी बेसिक जो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि अभी तक आपका सिलेबस कितना कम्प्लीट हुआ है ओके okay, कितना आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है लेटस से कुछ बच्चे कहेंगे कि सर अभी हमने फिफ्टी परसेंट सिलेबस कम्प्लीट किया है ओके okay, सर फिफ्टी परसेंट सिलेबस कम्प्लीट हो गया है या नहीं हुआ है थर्टी परसेंट हुआ है वट एवर इट कुड भी सिक्सटी परसेंट सेवेंटी वाट एवर इट कुड भी बट यू शुड नो कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो सिलेबस कम्प्लीशन के अंदर कितना सिलेबस आपने कम्प्लीट किया है अब कम्पलिशन का मतलब ये नहीं है कि आपने कोई भी एक बुक है ओके okay? लेटस से लक्ष्मीकांत है स्पेक्ट्रम का मॉडर्न इंडिया वट एवर बुक इट कुड भी तो उसको आपने एक बार रीडिंग कर लिया है और केवल रीड कर लिया है दिस इज़ नॉट द मीनिंग ऑफ द कम्पलिशन ऑफ सिलेबस अगर आपने उसको रीड कर लिया है तो उससे कुछ होगा नहीं ओके okay?

इस्पेली इन द सब्जेक्ट्स लाइक इट इकनॉमिक्स एंड ऑल तो शुरू के फोर्टी फाइव डेज में आपको इसी तरह से मूव करना है कौन से सब्जेक्ट को लेंगे अब आप कहीं पर भी एक्सटेंड कर रहे हैं चाहे आपने थर्टी परसेंट सिलेबस कम्प्लीट किया है चाहे आपका फिफ्टी परसेंट हो रखा है ओके वॉट एवर जो भी आपके क्राइटेरिया में है आपको शुरू के जो फोर्टी फाइव डेज हैं मतलब अभी से जो नेक्स्ट फोर्टी फाइव डेज है वहाँ पर आपको कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स को टारगेट करना है देखिए आपका जो पूरा सिलेबस है पूरा जो भी आपका यूपीएससी का सिलेबस है उसको मैंने सेवन सब्जेक्ट में डिवाइड किया ओके कियावन सब्जेक्ट में डिवाइड किया है बिल्कुल क्लियर रखना है जो भी स्ट्रेटेजी है या प्रिपरेशन है आपकी जितना सिंपल रखोगे उतनी क्लैरिटी रहेगी माइंड में ओके okay. कॉम्प्लेक्स नहीं करना है तो फर्स्ट फोर्टी फाइव डेज में आपको क्या करना है सिलेबस डेफिनेटली कंप्लीट करना है और यहां पे सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड बुक पे जाना है केवल और केवल स्टैंडर्ड बुक लिस्ट पे जाना है सबसे पहले इनको आप अगर कवर करोगे अच्छे से फिर उसके ऊपर हम एडिशन पे आएंगे एड ऑन पे ओके सो फर्स्ट के 45 डेज या 60 डेज ले लीजिए क्योंकि पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा इससे ज़्यादा मत देना 60 डेज एक लिमिट है 45 डेज़ में भी कर सकते हो 40 डेज़ में भी कर सकते हो क्यों ये वेरी कर रहा है क्योंकि कुछ बच्चों का 50 परसेंट तक सिलेबस uh, कवर है या uh, मतलब आपने एक बार रीडिंग भी मार रखा है ओके okay? इसमें वो भी इंक्लूड कर रहे हैं हम अब जो स्ट्रैटेजी है उसमें वो बच्चे भी इंक्लूड हैं, जिन्होंने केवल एक बार रीडिंग भी मार रखी है तो भी आप उस कैटेगरी में आइए फाइन तो यहां पे हम बात कर रहे हैं किस तरह से आप आगे मूव करेंगे सो so, आपको पहले कौन से सब्जेक्ट लेने हैं? देखिए शुरू के अंदर क्या है ऐसे सब्जेक्ट आप लीजिए जिसके अंदर सिलेबस जो है ओके uh, लिमिटेड okay, है इन कंपैरिजन सिलेबस कम है सोर्सेज जो है बिल्कुल डिफाइंड हैं सिलेबस कम है सोर्सेज डिफाइंड है मतलब आपको मल्टीपल सोर्स पे नहीं जाना है एक बुक कर रहे हो तो वहाँ से क्वेश्चन हिट हो रहा है ओके गेटिंग दिस इससे क्या होगा इससे ये होगा कि यार आपको कॉन्फिडेंस जनरेट होगा कि यार मेरा एक सब्जेक्ट हो गया कम टाइम में ओके लेटस से पॉलिटी इज देयर अगर आप क्या कर रहे हो कुछ बच्चे क्या करते हैं ये गलती करते हैं एंड उसमें गलती उनकी भी नहीं है बिकॉज दे डू नॉट हैव सच काइंड ऑफ इनपुट्स एज वेल ओके पता नहीं होता है बाद में पता चलता है जैसे कि आप हिस्ट्री लेके बैठ गए पहले आर्ट एंड कल्चर लेके बैठ गए पहले ओके okay? कि सर मज़ा आ रहा है पढ़ने में ओके okay? फिर क्या होता है एक महीने तक हिस्ट्री ही चलता रहता है उनका पंद्रह दिन हो गया बीस दिन हो गया आर्ट एंड कल्चर ही चल रहा है प्लीज़ लुक एट द इनपुट ओके आर्ट एंड कल्चर को आप अगर फिफ्टीन ट्वेंटी डेज दे रहे हो वट इज़ द आउटपुट यू आर गेटिंग देर ओके ट्वेंटी डेज दे के क्या आउटपुट आपको मिल रहा है मे बी यू विल बी एबल टू हिट टू क्वेश्चन थ्री क्वेश्चन एट मैक्स ओके क्योंकि आर्ट एंड कल्चर में इस तरह का रहता है टू थ्री फोर दैट्स द लिमिट ना बट हीयर इन केस अगर आप के लिए जा रहे हो और पॉलिटी के अंदर आ, आ, आपने जो स्टैंडर्ड बुक है दैट इज़ यू हैव दैट्स लक्ष्मीकांत यहाँ पे ये मैं सोर्सेज भी बता रहा हूँ ये स्टैंडर्ड बुक लिस्ट है पहले इन्हीं को पढ़ना है इसके आगे कुछ नहीं जाना है पहले इसको पढ़ना है अच्छे से अच्छे से पढ़ने का क्या मतलब है अच्छे से पढ़ने का मतलब है कि आपने इस बुक को पढ़ा है ढंग से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के साथ में देख देख के पढ़ा है आपने इसके नोट्स बनाए हैं ओके इसको भी हम डिटेल में करेंगे डिस्कस एक्सक्यूज मी सो फाइन सो यहाँ पे क्या हो रहा है अनलाइक हिस्ट्री जहाँ पे आपने थर्टी डेज फोर्टी डेज फोर्टी डेज तक भी दे दिए हैं बट आपको आउटपुट उतना मिल नहीं पा रहा है यू आर नॉट श्योर ऑफ दैट इन केस ऑफ द सब्जेक्ट्स लाइक पॉलिटी इज देर पॉलिटी में आपको क्या करना है दिस इज योर फर्स्ट प्रायरिटी इंडियन पॉलिटी बाई द लक्ष्मीकांत ये एक बुक है एंड uh, अगर आपको पॉलिटी डिफ़िकल्ट लगता है कि सर पॉलिटी समझ नहीं आता क्योंकि कई बच्चों की क्वेरीज आती हैं कि सर पॉलिटी समझ नहीं आता है डिफ़िकल्ट लग रहा है सो प्लीज़ गो थ्रू दिस बुक ये इलेवंथ क्लास की एन है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है इसमें बहुत बच्चों की तरह समझाया हुआ है क्योंकि इलेवंथ क्लास के जो बच्चे हैं उन्हीं के लिए लिखी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है वाई डू वी एक्चुअली नीड द कॉन्स्टिट्यूशन एट द वेरी फर्स्ट प्लेस ओके डिफरेंट डिफरेंट फंडामेंटल राइट्स है क्यों ज़रूरत है क्या है फंडामेंटल राइट्स बिल्कुल बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में तो अगर आपको कंसेपच्चुअल क्लैरिटी चाहिए गो थ्रू दिस बुक अगर आपको इसमें दिक्कत आ रही है ओके बट दिस इज द वन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स यही पढ़ना है इसको आपको कंप्लीट करना है लक्ष्मीकांत फॉर एग्जाम्पल लेटेस्ट से आपने 15-20 डेज तक ओके okay? ये जो मैं स्ट्रेटजी है डेज बता रहा हूँ वो एक सब्जेक्ट के हिसाब से बता रहा हूँ क्योंकि जैसे uh, मान लीजिए बच्चे uh, पढ़ रहे हैं कि सर हम एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं तो लेट अस से अगले फिफ्टीन डेज में हमने एनवायरनमेंट का ये बुक खत्म कर दिया है सिमिलरली फॉर द नेक्स्ट फिफ्टीन डेज आपने पॉलिटिक का ये बुक खत्म कर लिया है वी आर टॉकिंग अबाउट द लक्ष्मीकांत ठीक है कैसे करना है खत्म करने का मतलब ओके okay, आपको नोट्स तो बनानी है डेफिनेटली लेकिन आपको पेपर एनालिसिस करना है पेपर एनालिसिस मतलब पास्ट ईयर के पेपर देख रहे हैं पास्ट ईयर के पेपर देखना क्यों जरूरी है बिकॉज यू वॉन्ट बी एबल टू आइडेंटिफाई कितनी सारी इन्फॉमेशन है ओके सेवन एट हंड्रेड पेजेस का बुक है इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है और आप कैसे ध्यान रखोगे ये इन्फॉर्मेशन है इस पर मुझे एम्फेसाइज़ करना है ये फैक्ट इम्पॉर्टेंट है उस हिसाब से मैं नोट कर लेता हूँ या कर लेती हूँ फाइन तो ये चीज़ें आपको कैसे पता चलेगी ये चीज़ें पता चलेगी जब आपने पेपर को एनालिसिस किया हुआ है ओके okay? पेपर को एनालिसिस करने का क्या फ़ायदा है आपका एक तो जो डाइवर्जन होता है ना वो कम हो जाता है आपका अफर्ट कंसनट्रेट हो जाता है कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है फियर कम हो जाता है कि यार ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में से इतना सिंपल क्वेश्चन आ गया गेटिंग दिस तो ये अच्छा होता है पेपर एनालिसिस आपको करना है नो द एग्जाम ऑफ द डिमांड फोकस्ड प्रिपरेशन आपके टाइम और रिसोर्सेज को सेव करेगी सबसे बड़ी बात है एग्जाम का फियर निकालेगी दिमाग से क्योंकि तो जब आप देखेंगे इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन हो रहे हैं और इतने सारे क्वेश्चन है ये लक्ष्मीकांत वाली बुक मैंने पढ़ी है हो रहे हैं पेपर एनालिसिस कैसे करना है अगर आइडिया नहीं है सो डू वन थिंक ओके ये एक आपकी जो इस साल का प्रॉलिम्स हुआ है 2020 का जो प्रॉलिम्स है उसका डिटेल्ड एनालिसिस मैंने किया है ये दो क्लासेस हैं ये फ्री क्लास है उनके फ्री क्लास है स्पेशल क्लास में आपको अवेलेबल होगा ये कैसे अटेंड करना है यूट्यूब पर नहीं है अन की जो एप्लीकेशन है या वेबसाइट पर आपको जाना है मुझे वहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं राहुल भारद्वाज यू विल गेट दिस पिक्चर ओके ये आपको प्रोफाइल पिक मिलेगा या फिर आप डायरेक्ट इस लिंक पे फॉलो कर लीजिए इस लिंक पे फॉलो कर लीजिए यहाँ पे आप जाएंगे तो स्पेशल क्लास का सेक्शन होता है स्पेशल क्लास का सेक्शन है वहाँ पे स्पेशल क्लास की लिस्ट आ जाएगी ओके काफ़ी सारी स्पेशल क्लासेस हैं जो फ्री क्लास हैं बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्लासेज वहाँ पर हैं डिटेल्ड एनालिसिस है डिटेल्ड एनालिसिस की ये क्लास है जी पेपर वन का ओके इसके दो पार्ट हैं पार्ट वन और पार्ट टू में हमने किया है मतलब दो क्लास में कवर किया है इस एनालिसिस को करने से आपका ये जो एनालिसिस वाला पर्पस है ये सॉल्व हो जाएगा ओके okay? क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं कंपाइलेशन आपने लिया कि कब कौन सा आया है कब कौन सा आया वो भी वो भी अपनी जगह ठीक है लेकिन जो इन डेप्थ एनालिसिस की जरूरत है ओके okay, वो बहुत जरूरी है सो प्लीज गो थ्रू दिस क्लास दिस इज अ फ्री क्लास एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेरी सिग्निफिकेंट ओके बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास इसी साल के प्रॉब्लम्स के पेपर को हमने डिस्कस किया हुआ है क्या डिफिकल्टी लेवल है कैसे क्वेश्चन आ रहा है कैसे स्ट्रेटजीज वहाँ पे डिस्कस की है ओके okay, ये पेपर एनालिसिस है ये जरूर से करना है बच्चों और एक कंपाइलेशन ले लेना जिसके अंदर होता है ना कि पिछले पॉलिटी से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले दस साल पंद्रह साल के अंदर बीस साल का मिल जाता है तो भी अच्छी बात है वो यूपीएससी के क्वेश्चन ओके okay? बहुत स्टैंडर्ड बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं उससे आपको आइडिया लगेगा हाँ इस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं इस चीज पे फॉर एग्जाम्पल पर्टिकुलर कोई टॉपिक है लेटर से पार्लियामेंट इज देयर तो आपको आइडिया लगेगा पार्लियामेंट से इस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है ओके okay? हिस्ट्री में कोई टॉपिक है फॉर एग्जाम्पल मॉन्टफॉर्ड रिफॉर्म है ओके मॉन्टेक जेम्सफोर्ड रिफॉर्म है वहां पर किस तरह से क्वेश्चन आते हैं ओके okay? प्रीएम्बल से क्या क्वेश्चन आते हैं फिर आपको पता चलेगा हाँ यार प्रीएम्बल तो पूरा ही रटना पड़ेगा ओके okay. फिर आपको पता चलेगा बच्चे पूछते हैं सर सारे आर्टिकल कैसे याद करें कॉन्स्टिट्यूशन के अरे सारे आर्टिकल याद करने की आपको जरूरत नहीं है क्यों इतना प्रिपरेशन को कॉम्प्लेक्स बना रहे हो ओके okay. आपको पता चलेगा सारे आर्टिकल्स याद करने की जरूरत नहीं है दस वाई दिस पेपर एनालिसिस इंपॉर्टेंट फाइन तो शुरू के जो फर्स्ट फोर्टी टू सिक्सटी डेज हैं उसमें आप ये सब्जेक्ट लीजिए ओके जहाँ पर आप इजीली हिट कर रहे हो इससे क्या होगा कम टाइम में आप इन सब्जेक्ट को कम्प्लीट करोगे और आपका कॉन्फिडेंस जनरेट स्टार्ट होगा ओके okay, आप देखोगे कि हां यार ये सब्जेक्ट मेरा पूरा हो गया मैं इस क्वेश्चन को भी कर पा रहा हूँ कर पा रही हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मेरे से हो रहे हैं टेस्ट सीरीज में मेरे से क्वेश्चन हो रहे हैं क्योंकि ये स्टैटिक पार्ट है क्या है ये स्टैटिक पार्ट हर साल यहीं से इसी बुक में से आपके क्वेश्चन आते हैं लक्ष्मीकांत है ओके स्टैटिक पोर्शन है बहुत अच्छे से लिखी हुई है बहुत अच्छी बुक है स्टैंडर्ड बुक है मस्ट फॉलो है नहीं है आपके पास में तो लेनी ही है ओके okay? और ठीक है तो ये हो गया पॉलिटी ठीक है पहले पॉलिटी को अप्रोच कीजिए स्टैटिक पोर्शन की हम बात कर रहे हैं लास्ट में हम करंट अफेयर पे आएंगे स्टैटिक पोर्शन को छः सब्जेक्ट में डिवाइड किया है तो पहले आपको ये चार सब्जेक्ट पे मूव करना है ओके चार सब्जेक्ट पे मूव करना है पहले आप पॉलिटी को मूव पॉलिटी को लीजिए ओके या एनवा अब इनमें से कोई सा भी ले सकते हो ऐसा नहीं है वन टू थ्री फोर ये इन सब्जेक्ट पर आपको फोकस करना है ओके क्यों मैं पॉलिटी और इन्वायरमेंट इस तरह से कह रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों को इकोनॉमी थोड़ा डिफिकल्ट लगता है ओके okay, इकनॉमी के नाम से थोड़ा सा एक फियर सा क्रिएट हो जाता है कि सर इकोनॉमी बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं ओके okay? तो ऐसा नहीं होना है तो पॉलिटी को भी पॉलिटी से भी कुछ कोई इश्यू रहता है पॉलिटी का मैंने आपको इलाज बता दिया ये कॉन्स्टिट्यूशन वाली इलेवंथ की एनसीईआरटी है छोटी सी बुक है अगर आप इसको जैसे नॉवल पढ़ते हैं ना उस तरह से आप पढ़ेंगे इतना इंटरेस्टिंग लगेगा स्टोरी टेलिंग फॉर्म में है स्टोरी टेलिंग फॉर्म में है ओके okay, और बहुत सारे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके ठीक है ना फिर अगर आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है वैसे लक्ष्मीकांत भी डायरेक्ट अप्रोच करेंगे तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा बट स्टिल यू आर फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट ओके टू डील विद द पॉलिटी गो थ्रू दैट बुक एटलीस्ट कम से कम ये पढ़िए <coughs> प्रलिम्स स्पेसिफिक हम बात कर रहे हैं प्रलिम्स को टारगेट कर रहे हैं तो पॉलिटी पे जाइए ओके लटेस से आपने 15 डेज है 20 डेज है ओके okay, इस इतना आप दे सकते हैं एक्सक्लूसिवली फॉर द पॉलिटी इससे ज़्यादा मत देना इतना आपका बनता है पहले अगर आपने एक दो एक दो बार रीडिंग की है तो 15 डेज़ में बहुत अच्छे से आप कर लोगे ओके okay? uh, कुछ लोग uh, 10 डेज़ में भी कर लेंगे ओके okay? तो 10 टू 20 डेज़ का आपका लिमिट है उस टाइम लिमिट में आपका करना है अब जो पेपर एनालिसिस वाला ये था ना तो एक जो कंपाइलेशन है ले लेना कोई भी जो कंपाइलेशन है मार्केट में अवेलेबल है ऑनलाइन भी आपको मिलेंगे तो वहाँ पे पास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखना पॉलिटी से किस तरह के क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस को पढ़ना पढ़ना ठीक है फिर आपको आइडिया लगेगा फिर जैसे ही आप बुक के ऊपर जाओगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार ये ये चीज़ें इस टॉपिक से ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछें फाइन चलिए सेकेंड आपको अप्रोच करना है एन्वायरमेंट एन्वायरमेंट में स्टैटिक पोर्शन की अगेन हम बात कर रहे हैं ओके सिमिलरली पॉलिटी में भी स्टैटिक पोर्शन को ही डील कर रहे हैं एन्वायरमेंट में आपको करना है शंकर आइएस का एन्वायरमेंट का बुक आता है ओके okay, पहले तो एक कंपाइलेशन टाइप आता था शुरू में जीरोक्स कराते थे बच्चे फाइन जीरोक्स के रूप में अवेलेबल होता था अभी प्रॉपर बुक आ गया है सो दिस इज़ वेरी पॉपुलर क्यों इतना पॉपुलर हुआ क्योंकि बहुत अच्छे से इसमें कंसेप्ट भी समझाए हुए हैं ओके कंसेप्टुअल क्लैरिटी इज़ ऑल्सो देयर एट द सेम टाइम जो कवरेज है वो भी कॉम्प्रीहसिव है स्टेटिक पोर्शन का कवरेज भी कॉम्प्रीहसिव है कुछ चैप्टर हैं आपके इलेवंथ ट्वेल्थ की एन जो है ओके okay, साइंस की जो एन सी आर टी हैं एन सी आर टी है साइंस की कुछ चैप्टर हैं ओके okay, एन सी आर टी के अंदर इलेवंथ ट्वेल्थ की एन सी आर टी देख लेना वैसे तो एटथ नाइन्थ टेंथ की भी है उसको हम साइंस में ही डील करेंगे ओके okay, उसमें कुछ चैप्टर्स हैं uh, लास्ट में कुछ चैप्टर हैं जो एनवायरमेंट के हैं उनको भी देख लेना वैसे यहाँ पे भी कवर है बट स्टिल यू शुड गो थ्रू दोज चैप्टर्स बहुत अच्छे से हैं कंसेप्चुअली uh, बहुत क्लियर है जैसे पॉल्यूशन का एक चैप्टर ओके पॉल्यूशन के अंदर जो वहाँ पे एनसीईआरटी में जो चीज़ें हैं वहाँ से हर दो साल दो तीन साल में क्वेश्चंस जनरेट होते हैं ओके okay, तो ये सब चीज़ें ये स्टैंडर्ड सोर्स है आपको ये फॉलो करना है शंकर आइए का एन्वायरमेंट का बुक ये लिखते जाइए ठीक है अगर आपको पता है अच्छी बात है ओके okay, कि ये सोर्सेज हैं ये काफ़ी बार हमने सुना भी है ओके okay, पढ़ा भी है लोगों ने बताया भी है सो so, आपको करना क्या है आपको अपना जो एक ओके uh, okay, अपने आप को रजिस्टर करना है कि मुझे ये भी कर लूँ ये भी कर लूँ इससे क्या होगा ये तो मैंने पढ़ लिया नहीं हो रहा है मेरे से अगर आपसे नहीं हो रहा है ट्राई टू रिवाइज ओके क्या आपने रिविज़न किया है शॉर्ट नोट्स इस तरह से बनाए एम सी क्यू सॉल्व किए उसके बाद आप एक्सटेंड कीजिए एक्सटेंशन पर भी हम आएंगे कवरेज के तो ये आपने शंकर आई एस एन्वायरमेंट बुक हो गया एनवायरमेंट का अगेन अगर आप एनवायरमेंट डेली बेसिस पे कर रहे हैं ओके अराउंड सिक्स टू एट आवर्स क्लॉक कर रहे हैं सो आई थिंक यहाँ पर आप फिफ्टीन डेज शुड भी सफिशेंट अगेन ओके फिफ्टीन डेज इससे ज़्यादा मत देना इस तरीके से आप इसको अप्रोच कर सकते देन कम्स द इकोनॉमी ओके पेपर एनालिसिस की मैंने बात की है अब देखिए जैसे आप चाहे लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो या शंकर आई ए एस एनवायरमेंट जो भी पढ़ रहे हो पेपर आपने एनालिसिस कराया ये आपको मैंने बता दिया इससे आपको हेल्प मिल जाएगी ओके okay? Uh, ये सोर्सेज आपको पता हैं डेफ़िनेटली ओके जो मैंने आपको चीज़ कही वो यही बताई वापस से कि आपको अपने आप को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करके रखना है ठीक है आई की तैयारी करते करते हैबिट बन जाती है ओके okay? पढ़ना हॉबी हो, हो जाती है चीज़ें अच्छी लगती है अच्छा ये पढ़ना है चलो यार इसको ख़त्म करते हैं ओके okay? uh, अगर कोई नॉवल हाथ आ जाता है तो फटाफट छः घंटे में ख़त्म हो जाता है सो so, पढ़ना हैबिट रहती है सिमिलरली हमारे अंदर एक ये टेंडेंसी रहती है नेचुरल है ओके okay? कोई ये कहेगा यार इस इस इंस्टीट्यूशन का नोट नहीं पढ़ा तुमने तो पॉलिटी पे इस सर के नोट्स नहीं पढ़े इन्वायरमेंट पे इन सर के नोट्स नहीं पढ़े ओके हिस्ट्री पे इन सर के नोट्स नहीं पढ़े समथिंग लाइक दिस तो आपने पहले एक बुक पढ़ी है ठीक है वो बुक आपने आपको ख़ुद को कॉन्फिडेंस नहीं है कि यार मेरे को हंड्रेड परसेंट है या नाइन्टी परसेंट है ओके okay? आपको अफसोस हो है कि हाँ यार कुछ चीज़ें याद है कुछ चैप्टर अच्छे से हैं उस बुक को अच्छे से करे बिना आप अपना सोर्स एक्सटेंड कर रहे हो दिस शुड नॉट बी डन ओके ये एक तरह का बहुत बड़ा मिस्टेक है जो बहुत सारे बच्चे करते हैं पहले आपने चाहे जिन भी आप टीचर से पढ़ रहे हैं ओके उनके जो नोट्स हैं या जो भी आपका स्टैंडर्ड सोर्स है या जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हैं जिन भी टीचर को फॉलो कर रहे हैं उनके नोट्स ओके उसके ऊपर कॉन्फिडेंट हो जाइए कि हाँ यार ये मेरा कंप्लीट है यहाँ से कोई क्वेश्चन आ रहा है तो मेरा छूटेगा नहीं ओके जैसे हमने बात की लक्ष्मीकांत हैं बुक शंकर आइए से तो वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं तो छूटेंगे नहीं और वहाँ से हर साल इतने सारे क्वेश्चन आते हैं और बहुत ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं फाइन और वो प्रैक्टिस पे आएंगे तो प्रैक्टिस से सॉल्व होंगे ये सारी चीज़ें कैसे बुक को कवर करना है अब सिंपल रीडिंग नहीं कर लेनी है उसकी ओके जैसे यू हैव दैट शंकर आई है या लक्ष्मीकांत है जो भी बुक है ओके फॉर एग्जाम्पल लेटेस है मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री है ओके नोट्स मेकिंग में मैं एग्जाम्पल uh, देता हूँ मॉडर्न इंडिया की जो स्पेक्ट्रम की बुक है सेवन एट हंड्रेड पेजेस की बुक है इतने सारे फैक्ट होते हैं हिस्ट्री में अगर उस बुक को आप अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो याद नहीं रहेगा ओके okay? एंड uh, अगर उस बुक को एक बार आपने पढ़ा तो फिर दोबारा रिवीजन करने के लिए जाओगे सेवन टू एट हंड्रेड पेजेस कितनी बार रिवीजन कर सकते हो एक बार दो बार ओके okay? तो जो सेवन एट हंड्रेड पेजेस का जो बुक है ओके यू हैव दिस सेवन हंड्रेड एट हंड्रेड पेजेस का बुक है अगर आपने उसको नोट्स बनाए हैं नोट्स बनाए हैं मतलब खुद की लैंग्वेज में नोट्स बनाए हैं खुद से नोट्स बनाने हैं शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में बनाना है ओके okay, और नोट्स के ऊपर भी आपका यही एक स्पेशल क्लास फॉर्म में है यही स्पेशल क्लासेस में जाएंगे तो नोट मेकिंग स्ट्रेटजी की एक क्लास है एग्जाम्पल दे मैंने बता रखा है कैसे नोट्स बनाने तो उससे क्या होगा नोट्स से ये जो सेवनटी पेजेस है सेवन हंड्रेड पेजेस है सेवनटी पेजेस में आप इनको समराइज कर लोगे सारे फैक्ट इसमें आ जाएंगे जो प्रॉब्लम्स के लिए इंपॉर्टेंट है अब ये सेवेंटी पेजेस अगर आपने रिवाइज कर लिया लेटेस्ट से फाइव टाइम्स सिक्स टाइम्स ओके प्रोलिम्स के एक महीने पहले या प्रीलिम्स तक भी आपने अगर पाँच छः बार उसका रिवीजन कर लिया सो इमेजिन द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस ओके अपने कॉन्फिडेंस को एक बार इमेजिन करके देखो आपका एग्जाम कैसे क्रैक नहीं होगा ओके okay? प्रीलिम्स क्रैक करना कंपैरेटिवली इजी है फाइन बिकॉज ऑब्जेक्टिविटी हियर आपको पता रहता है मेरा क्वेश्चन कहाँ पर गलती हो रहा है कहाँ पर सही है मेन्स uh, में थोड़ा सब्जेक्टिव होता है क्योंकि स्टूडेंट uh, को आइडिया नहीं लगता कहाँ वो बार 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 गलती हो रही ओके okay? uh, यहाँ पे एटलीस्ट आपको पता तो है ये चीज़ अच्छा है ऐसे गलत हुआ है मेरा ये क्वेश्चन ऐसे गलत हो गया ये पढ़ना है समथिंग लाइक दिस तो नोट्स मेकिंग कंपलसरी है येस कंपलसरी है ओके अगर आपके पास टाइम इतना नहीं हो पा रहा है टाइम इतना नहीं है तो आप जो अंडरलाइन कर रहे हो ओके अब कुछ बच्चे क्या करते हैं पूरा का पूरा पेज ही अंडरलाइन पूरी बुक अंडरलाइन हो जाती है लिटरली मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों मतलब जितने बुक में पेजेज हैं आपने एट्टी बुक को अंडरलाइन कर दिया ओके और ट्वेंटी परसेंट को छोड़ा है ट्वेंटी परसेंट में भी वही सेंटेंसेस छूटते हैं जिसके अंदर ये लिखा होता है ना जो ग्रामर ग्रामेटिकल कुछ सेंटेंस होते हैं सो so, ऐसा भी नहीं करना है ओके okay? अंडरलाइन और ये ये कैसे पता चलेगा अंडरलाइन कर रहे हो मतलब क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है ये आपने नोट्स फॉर्म में बना रहे हो उसके अंदर आपका ये हेल्प करेगा पेपर एनालिसिस एंड ऑल ओके जो जो आपके या फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं टेस्ट के क्वेश्चन हैं ये सब चीज़ें आपको हेल्प करेंगी फाइन तो यस नोट्स मेकिंग बनानी है अब कुछ बच्चों का क्वेश्चन होगा कि सर नोट्स कैसे बनाने हैं क्या है तो अगेन गो गो टू दिस ओके मेरी प्रोफाइल पे जाएंगे अन अकेडमी पर यहाँ पर नोट मेकिंग पे भी एक स्पेशल क्लास है गो थ्रू दैट स्पेशल क्लास अगेन फ्री क्लास है एंड वन मोर थिंक वन मोर थिंक सम ऑफ यू आर से स्पेशल uh, क्लास में आप जा रहे हैं एंड ये फ्री क्लासेज हैं बट अगर आपको कोड वहाँ पे प्लेस करना है कोड uh, प्लेस अगर मांग रहा है रिक्वायरमेंट है देन पुट दिस कोड दैट इज आर बी लाइफ अगर स्पेशल क्लास का जो ये फ्री मॉड्यूल है उसको ओपन करने के लिए इफ़ इट रिक्वायर्स द कोड देन प्लेस दिस कोड दैट इज आर बी ओके वो आपकी फ्री सारी क्लासेज ओपन हो जाएंगी चलिए तो नोट्स बनाने हैं डेफिनेटली तो ये एक तरीका मैंने बताया ये जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं ओके सिलेबस को कवर तो करना है कैसे कवर करना है ओके पेपर एनालिसिस के थ्रू शॉर्ट नोट्स के थ्रू स्टैंडर्ड बुक लिस्ट को प्रायोरिटी पे रखना है सबसे पहले ऐसे नहीं कि चार बुक के ऊपर आप जा रहे हो चार सोर्सेज पे जा रहे हो और जब बात आ रही है कवर कितना हुआ है तो एक भी सोर्स पर कॉन्फिडेंस नहीं है कि हाँ यार ये तो मैंने हंड्रेड कर लिया बिकॉज दिस इज ए कंपिटेटिव एग्जामिनेशन ओके यहां पे आपको 200 में से 200 नंबर नहीं लाने आप कंपटीशन के अंदर हो आपको कंपिटिटर से एडवांटेज लेना है ओके okay? तो एटलीस्ट इन बुक को आपको कमांड करना ही पड़ेगा फाइन, सो फर्स्ट 45 या 60 डेज ओके okay, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा शुरू के अंदर कैसे रहता है आपको पॉलिटी और इस तरह के सब्जेक्ट लेने हैं हिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट नहीं लेना है या पहले क्या है जनरल साइंस साइंस एंड टेक लेके बैठ गए ओके समथिंग लाइक दिस या फिर जोग्राफी को ही ले लिया ओके okay, जोग्राफी भी इन कंपेरिजन लेंदी है ओके okay, तो इस तरह के सब्जेक्ट लीजिए ये फटाफट से आपके होना स्टार्ट होंगे एंड देन अप्रोच फॉर द सब्जेक्ट्स लाइक इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी ओके फर्स्ट के 45 टू 60 डेज के अंदर इकोनॉमी जोग्राफी पे आपको लेना है इकोनॉमी जोग्राफी अब इकोनॉमी में क्या फॉलो करना है इकोनॉमी में जो स्टैंडर्ड बुक लिस्ट है उसकी अगर हम बात करें प्रोलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सो दिस बुक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैक्रो इकोनॉमिक्स है ट्वेल्थ क्लास की बुक है ओके ट्वेल्थ क्लास की बुक है uh, अब इसके अंदर क्या है काफी सारे मॉडल्स हैं काफी सारे ओके डेरीवेशनस हैं मॉडल बिल्डिंग इज देयर ग्राफ्स ओके उनको छोड़ देना उस पर मत जाना कंसेप्ट आपको देखने हैं ये ट्वेल्थ क्लास की बुक है बहुत इंपॉर्टेंट बुक है हर साल क्वेश्चन मिलेंगे आपको इस साल भी देखोगे दो तीन क्वेश्चन वहीं से मिल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कंसेप्ट डिस्कस किए गए हैं कंसेप्ट यहाँ पे डिस्कस है और ये स्टैटिक पोर्शन है तो हमेशा वहीं उसी बुक से क्वेश्चन रहते हैं अलग अलग तरीके से क्वेश्चन रहते हैं ओके okay, और एक आपको स्टैंडर्ड बुक ये फॉलो करनी है लेटर से रमेश सिंह आप फॉलो कर लीजिए ओके okay, रमेश सिंह फॉलो कर लीजिए एलवेंथ uh, क्लास का इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है तो इसको अगर आपके पास टाइम है तो पढ़ लीजिए अदरवाइज़ यू कैन स्किप इट एज वेल ओके ये आपकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा रहा है अगर प्रल्लेम्स के लिए एक्सक्लूसिवली जा रहे हो टाइम नहीं है बहुत कम टाइम है तो स्किप भी कर सकते हो इलेवंथ क्लास वाली ये जो बुक है मेन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा अच्छा है ओके okay? आपको आइडिया देता है पॉवर्टी क्या है डेवलपमेंट क्या है कैसे इसको डील करना चाहिए क्या फैक्टर्स हैं पॉवर्टी के लिए कैसे कॉलोनियल लिगेसी यहाँ पे है ओके कॉलोनियल फैक्टर्स हैं अभी क्या फैक्टर्स हैं ये सब चीज़ें हैं हेल्पफुल तो है लेकिन अगर टाइम बहुत ज़्यादा कम पड़ रहा है तो फिर यहाँ पे प्रायोरिटी आपको देनी है ट्वेल्थ क्लास की ये बुक है रमेश सिंह है इसको पढ़ना है अब बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि सर बहुत डिफिकल्ट है समझ नहीं आ रहा है सो लेट मी टेल यू वन मोर थिंग एक्सक्यूज मी इंडियन इकोनॉमी पे एक आपका मैराथन सेशन अवेलेबल है ओके मैराथन सेशन आपका अवेलेबल है मैराथन सेशन अवेलेबल है जिनको डिफ़िकल्टी आ रही है मैराथन सेशन अवेलेबल पॉलिटी का मैंने बता दिया था आपको एन टी पढ़ लेना अगर कोई इशू आ रहा है एलेवंथ क्लास वाली इंडियन uh, इकोनॉमी पे आपका मैराथन सेशन अवेलेबल है कहाँ पे है यूट्यूब पर सात घंटे की ये क्लास है क्या डालना है आपको इंडियन इकोनॉमी यूपीएससी करके डालना है सात घंटे की एक क्लास है ओके okay, मेरे नाम से जो है वो आपका आ जाएगा सात घंटे की क्लास है प्लीज़ गो थ्रू दैट क्लास ओके okay, उसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम सात घंटे में कवर कर पाए ओके okay, बहुत सारे आपके जितनी भी ये बुक है इसके अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट है ये ऑलमोस्ट सारे कवर हैं ट्वेल्थ क्लास की जो मैक्रो इकोनॉमी की बुक है ये ऑलमोस्ट पूरी की पूरी वहाँ पे कवर है सिमिलरली यू हैव सो मैनी कॉन्सेप्ट फ्राम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू जो आपके रमेश सिंह से ये हमने कवर किए तो वो क्या करेगा आपका एक बेस बना देगा जिन बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है ओके okay? Uh, कि सर बहुत डिफिकल्ट लग रहा है सिमिलरली यू अब यहाँ पे भी फैक्ट तो होते ही हैं, कॉन्सेप्ट भी इन्वॉल्व हैं. आप देखेंगे इस साल जो क्वेश्चन है सर्वे okay? uh, की भी है इकोनॉमिक सर्वे मैंने पढ़ाया था और वहां से क्वेश्चन आप देखेंगे अगर ट्वेंटी uh, ट्वेंटी के अंदर वहां से क्वेश्चन है okay? कुछ क्वेश्चन जो डिफिकल्ट लग रहे थे पेपर एनालिसिस किया था तब मैंने हिंट भी दिया था बच्चों कि किस तरह से जो एम से रिलेटेड क्वेश्चन था ओके okay? उसके प्राइस डिस्टॉर्शन वाला और ये सब वो सब इकोनॉमिक सर्वे में चीज़ें डिस्कस हुई हैं ये सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस हुए हैं ओके okay? तो वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये आपके कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और फैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है कंसेप्ट प्लस फैक्ट दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे केवल फैक्ट पे मत जाना फैक्ट पे जाओगे क्वेश्चन हो नहीं पाएंगे क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी रहते हैं बहुत अच्छे क्वेश्चन रहते हैं जैसे इस साल इकोनॉमी में बहुत अच्छे क्वेश्चन थे तो ये चीज़ें आपको करनी है डेफिनेटली न्यूज़ पेपर है तो इस पर तो हम आएँगे जब करंट अफेयर में बताऊंगा क्योंकि वो हर चीज़ में है वो आपका इंडिया इन्वायरमेंट में भी करंट अफेयर आएगा पॉलिटी में भी आएगा इकोनॉमी में भी आएगा उसको हम अलग से डील कर लेंगे करंट अफेयर का एक एक सब्जेक्ट की तरह उसको लेंगे फाइन इंडियन इकोनॉमी है पहले ट्वेल्थ क्लास की एनसीआर टी पे जाइए फिर रमेश सिंह इसको कीजिए इकोनॉमिक सर्वे बजट इंपॉर्टेंट है ओके okay? कोई डिफिकल्टी आ रही है गो थ्रू दैट मैराथन सेशन यूट्यूब पे अराउंड सेवन आवर की क्लास है सिमिलरली इफ यू आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट एनवायरमेंट के अंदर कोई डिफिकल्टी आ रही है मैराथन सेशन अगेन अवेलेबल है यूट्यूब पे ओके यूट्यूब पर डालेंगे शंकर आई एस एनवायरमेंट समथिंग लाइक दिस सो यू विल गेट दैट क्लास आई थिंक छः घंटे की कुछ क्लास है मेरी एक क्लास है मेराथनसेशन एक क्लास है जिसमें पूरा जो शंकर आई है इसका बुक है ओके पॉल्यूशन एग्रीकल्चर मैंने उसमें छोड़ा था बताया भी था बच्चों को uh, बाकी जो पूरा क्लास है जो भी समर समरी है उसकी ओके okay? जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जिस पे आपको फोकस करना है तो आपका एक बेस बन जाएगा आपको एक आइडिया लग जाएगा ओवरव्यू लग जाएगा तो कम टाइम में कैसे कवर करना है सर आप यहाँ पे कह रहे हो कि एन्वायरमेंट uh, का शंकर आई एस कर लो पंद्रह दिनों में ओके okay? तो डू वन थिंग अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है या एक ही रीडिंग की है तो सबसे पहले आप ये मैराथन सेशन देख लो ओके छः घंटे का है और इसमें नोट्स भी बनाते जाइए ओके okay? और फिर इस बुक को अप्रोच करना इतना बुक इजी लगेगा और आपका जो कॉन्सेप्ट है ये भी क्लियर हो जाएंगे और फिर आपको ये भी पता चलेगा कौन सी इन्फॉर्मेशन है जिस पर सर फोकस कर रहे थे ये हमें पढ़नी है ये हमें पढ़नी है तो ये इससे अच्छा तरीका नहीं हो ओके इस तरह से आप जा सकते हो सिमिलरली यू हैव दैट इकोनॉमी इकोनॉमी में भी उसी मैराथन सेशन को पढ़ना फिर बुक पे जाना बहुत आसानी से कर दोगे अदरवाइज़ क्या प्रॉब्लम होती है ट्वेल्थ की एन सी आर टी बच्चे लेके बैठते हैं अब उसके अंदर मॉडल बिल्डिंग है इकोनॉमिक्स के अंदर मॉडल बिल्डिंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट है फ़ाइन और वहीं पर कन्फ्यूज हो जाते हैं उस बुक को हटा देते हैं कि यार ये बुक हमारे काम की नहीं है ओके मैक्रो इकोनॉमिक तो पढ़ना ही पढ़ना है माइक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ कॉन्सेप्ट हैं उसके लिए पूरी बुक को देखने की जरूरत नहीं है फ़ाइन तो अब स्टैंडर्ड सोर्सेज यहीं पे रखिए ओके तो ये आपके हो गए प्वालिटी का मैंने बता दिया है इन्वायरमेंट है इकोनॉमी अब आते हैं जोग्राफी पे ओके जियोग्राफी पे तो देखिए जब मैं ये कह रहा हूँ कि आप 15 डेज पे एनवायरनमेंट को हिट कर रहे हो ओके स्पेशली दैट शंकर आई बुक अलोंग विद द नोट मेकिंग तो ये कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है बहुत फिजिबल है कंसिडरिंग कि आप आठ घंटे के आसपास अपना रेगुलर बेसिस पे दे रहे हैं ज़्यादा भी दे सकते हो क्योंकि अब प्रोलिम्स पास में आ रहा है थोड़ा सा टाइम बढ़ा सकते हो जो बच्चे जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं उनके लिए डेली बेसिस पे इस तरह से देना मुश्किल है तो उनको क्या करना है उनको वीकली टारगेट बना लेना है ओके उस पर भी हम आएंगे टाइम टेबल की बात करेंगे डेली रूटीन की बात करेंगे तब उस पर भी आएंगे ज्योग्राफी की बात करते हैं देखिए ज्योग्राफी अगर आपने आ, आपको दिक्कत आ रही है कुछ ज़्यादा ही कॉन्सेप्ट के अंदर तो सिक्स क्लास से स्टार्ट कीजिए ओके आपको हो गया सर सिक्स क्लास के बच्चे की जो ये जो लिखा हुआ है उसको हमें क्यों पढ़ना है अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिक्स क्लास के एनसीईआरटी से काफी बार क्वेश्चन है सेवन्थ क्लास की एनसीईआरटी से काफ़ी बार क्वेश्चन है एक दो बार नहीं काफ़ी बार क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और ऐसे बच्चों ने गलत किया है जिनका जोग्राफी ऑप्शनल तक रहा हुआ है ओवर कॉन्फिडेंस में या फिर समझ नहीं आया ओके समथिंग लाइक दिस तो ये बहुत अच्छी बुक्स हैं सिक्सथ और सेवन्थ की एनसीईआरटी पढ़ लेना एट्थ नाइन्थ टेंथ टाइम नहीं है तो स्किप कर सकते हो ओके एट नाइन टेन टाइम नहीं है तो स्किप कर सकते हो बहुत ज़्यादा टाइम का इस तरह से टाइम स्ट्रैच हो रहा है टाइम की बहुत कमी है तो फिर ट्वेल्थ वाली जो एन है एक बार के लिए उसको भी होल्ड पे रख सकते हो ट्वेल्थ वाली एन है उसको भी या फिर एक बार सुपरफिशियली देख सकते हो अगर टाइम नहीं है तो अदरवाई और आपको इलेवेंथ की एन ओके क्या मैंने कहा सिक्स और सेवन्थ की एन सबसे पहले पढ़िए फिर ये नई एन की बात हो रही है ये सिक्स और सेवन्थ की एन तो ओल्ड वाली है ओल्ड एन की बात है ये ओल्ड एन आपको पढ़नी है सिक्स सेवन्थ की और ये इलेवंथ ट्वेल्थ और ये सारे न्यू एडिशन की बात हो रही है नया एडिशन है एलेवंथ क्लास का एलेवंथ क्लास में दो बुकलेट हैं आपकी इंडिया फिजिकल है जिसमें इंडिया के ऊपर बात हो रही है इंडिया के फिजियोग्राफिक डिवीजन समथिंग लाइक दिस ओके जो भी हैं फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल जोग्राफी ये एक तरह का वर्ल्ड जोग्राफी है यहाँ पे कॉन्सेप्ट की बात हो रही है कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं जैसे क्लाइमेटोलॉजी है ओके ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है इसको ज़्यादा टाइम देना अच्छे से पढ़ना बहुत अच्छे से पढ़ना और पढ़ते पढ़ते क्वेश्चंस भी देख लेना ओके बहुत इंपॉर्टेंट ये बुक है इंडिया फिज़िकल और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी बुक्स हैं ओके पूरा जो क्रक्स है जोग्राफी का ओके वो यहाँ पर है आपके पास में ये नए एडिशन है इलेवेंथ ट्वेल्थ के ओके और सिक्स सेवन्थ वाला जो है ये एक बार ओल्ड एन सी इनको देखना वहाँ पे कॉन्सेप्ट इस तरह से डिस्कस किए गए हैं ओके बहुत बेसिक चीज़ें डिस्कस की गई हैं अर्थ का रिवोल्यूशन है रोटेशन है वो कैसे इम्पेक्ट कर रहा है कैसे आपके दिन रात ये चेंज हो रहे हैं ओके इंसोलेशन एट्सट्रा एट्सेट्रा सो इजी टू अंडरस्टैंड रहेगा जब सिक्स क्लास का बच्चा अंडरस्टैंड कर सकता है टेंथ क्लास का तो आप तो कॉलेज के अंदर हैं ओके कॉलेज ग्रेजुएट हैं तो ये चारों चीजों पे हमने बात की है ओके okay? uh, चारों चीजों पे हमने बात की है यू हैव दिस फोर एरियाज मी वंस अगेन ओके यू पॉलिटी एनवायरमेंट इकोनॉमी जोग्राफी मैंने आपको स्टैंडर्ड सोर्सेज बताए हैं पहले इन्हीं सोर्सेज पे जाना है स्टैंडर्ड सोर्सेज पे इन्हीं पे जाना है इनसे आपके मैक्सिमम क्वेश्चन हिट होंगे ओके okay, आप उस एक कैटेगरी उस रेंज के अंदर आ जाओगे जहाँ पे आप कम्पीट कर रहे हो हाइएस्ट लेवल पे कम्पीट कर रहे हो उसके अलावा कुछ जगह हैं जहाँ पे आपको एड ऑन करना पड़ेगा उस पर भी हम आएंगे तो ये हो गया आपका फर्स्ट फोर्टी फाइव या सिक्सटी डेज डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ़ योर प्रिपरेशन एक्सपोजर टू द वेरियस काइंड ऑफ बुक्स आपने पढ़ा है कितनी बार पढ़ा है ये सब चीज़ें सेकेंड हम आएंगे जो आपके नेक्स्ट फोर्टी फाइव डेज हैं ओके दिस इज़ द सेकेंड राउंड ऑफ योर स्ट्रैटेजी सेकेंड पार्ट है okay? अब यहाँ पे हमने दो ही सब्जेक्ट लिए हैं चार सब्जेक्ट वहाँ पे हमने हिट किए है यहाँ पर दो सब्जेक्ट हम ले रहे हैं दैट इज साइंस एंड टेक एंड जनरल साइंस सर आपने अलग अलग क्यों लिखा है अलग अलग क्यों लिखा है क्योंकि दोनों का थोड़ा नेचर भी अलग है देखिए साइंस और टेक टेक में जो टेक्नोलॉजी वर्ड है टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आपका डायनेमिक है चेंज होती हैं टेक्नोलॉजीज ये जो टॉपिक है साइंस एंड टेक का ज़्यादा से ज़्यादा आपका करंट ओरिएंटेड है करंट अफेयर पे बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा बट एट द सेम टाइम यू हैव दैट जनरल साइंस जनरल साइंस का जो टॉपिक है ओके okay? ये स्टैटिक पोर्शन में है पूरा का पूरा स्टैटिक से है जनरल साइंस में भी सबसे ज़्यादा जिसपे फोकस करना है उस पर हम आएंगे चलिए पहले इसी को करते हैं फिर लास्ट में हिस्ट्री पे आएंगे जनरल साइंस में आपको जो फोकस करना है उसके अंदर क्या आप कर सकते हो इसको लास्ट में लेना है ओके okay? जो अभी हमने सब्जेक्ट लिए चार सब्जेक्ट लिए उसके बाद में आपको हिस्ट्री पे फोकस करना है और लास्ट में आप लेंगे जनरल साइंस इसको सबसे लास्ट में लेना है छोड़ना भी नहीं है छोड़ मत देना यार ओके okay, इंपॉर्टेंट है एक एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट होता है बच्चों का एक एक नंबर पॉइंट पॉइंट इस तरह से नंबर होते हैं जिसपे प्रॉब्लम्स रह जाता है फाइन दैट्स वाई एवरी मार्क इज इंपॉर्टेंट एवरी क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट ठीक है सो देखिए जनरल साइंस को एक बार बताता हूँ इसको करना लास्ट में है क्योंकि तो इसमें भी वही इशू रहेगा ओके फॉर एग्जाम्पल अगर हम सोर्सेज की बात कर रहे हैं ओके okay? साइंस uh, के अंदर तो ये आपकी एन बुक्स हैं एन सी आर टी है एट्थ क्लास की ये यहाँ पे इसका पूरा मैंने ये इंडेक्स यहाँ पे मेंशन किया है नाइन्थ क्लास की एन सी आर टी है टेंथ क्लास की एन सी आर टी ये एन सी आर टीज आपको देखनी है अब इनके अंदर जो चैप्टर दे रखे हैं ओके okay, चैप्टर दे रखे हैं तो पहले आपको क्या करना है सबसे पहले आपको जो प्रायोरिटी देनी है बायोलॉजी को देना है फिर जो फिजिक्स के चैप्टर उस पर जाइए ओके okay, फिज़िक्स uh, क्योंकि इन जनरल बायोलॉजी से रिलेटेड काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट है जो यहाँ से हिट होते हैं ओके okay? बायोलॉजी के कुछ चैप्टर्स हैं इलेवन ट्वेल्थ के एन सी आर टी पर भी देखने पड़ेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल ये जैसे आपका है ओके okay? uh, तो ये जो शुरू के चैप्टर्स हैं uh, ये आपका केमिस्ट्री हो गए ओके okay? तो आप डायरेक्ट क्या करोगे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ टिश्यूज़ डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ये आप पढ़ लो ओके okay? ये वाले चैप्टर हो गए फिर आप नीचे आ जाइए नेचुरल रिसोर्सेज फूड रिसोर्सेज इनको आपको पढ़ना है तो इसमें एनवायरमेंट भी कवर हो गया ओके okay, एनवायरमेंट और बायोलॉजी ये वाले चैप्टर आपको पढ़ने हैं। क्या आपको करना है टारगेट बायो और एनवायरमेंट, यहाँ से बायोलॉजी एनवायरमेंट, ये वाले चैप्टर पढ़ने हैं एट्थ नाइन्थ और टेंथ की एनसीईआरटी पढ़नी है फाइन फिजिक्स के अंदर भी क्वेश्चन रहते हैं बहुत बेसिक से कंसेप्चुअल क्वेश्चन रहते हैं नेचर ऑफ द क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अप्लाइड नेचर होता है ओके okay? हमारी डेली लाइफ में किस तरह से यूज़ हो रहा है जैसे सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट हो गया उसका डेली लाइफ में क्या यूज़ है समथिंग लाइक दिस ओके ये सब चीज़ें जैसे हम डालते हैं ना कूलर के अंदर पानी होता है काफ़ी दिन से भरा हुआ है उसमें मच्छर इकट्ठे हो जाते हैं फिर उसके अंदर हम कुछ भी डालते हैं इस तरह से आपका हो गया पेट्रोल समथिंग लाइक दिस ओके तो वो क्यों डालते हैं क्या होता है बेसिक कॉन्सेप्ट आपके हो गए सोनार है रडार है ओके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गई लाइट किस तरह से बिहेव कर रही है ये सब चीज़ें हैं तो ये इंपॉर्टेंट हैं जैसे कि यहाँ पे है यू हैव दिस टेंथ क्लास की एन सी आर टी है ओके okay? uh, ये तो आपके एनवायरमेंट के चैप्टर हो गए नीचे की तरफ फाइन ये लाइट रिफ्लेक्शन ये वाला चैप्टर है जैसे ये इंपॉर्टेंट है अब इसमें एप्लीकेशन वाला पार्ट देखना है कि रियल लाइफ में एप्लीकेशन क्या हो रहा है लाइट के ओके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है जैसे आपको रेनबो दिख रहा है क्यों दिख रहा है इस तरह के क्वेश्चन होते हैं बहुत सिंपल फाइन सो ये आपको करना है सोसेज मैंने बता दिए साइंस एंड टेक के लिए साइंस एंड टेक तो जनरली आपका करंट बेस्ड रहेगा अगेन साइंस एंड टेक के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट मैंने कवर भी कराए थे आपका जो क्रैश कोर्स है ओके प्रॉब्लम्स ट्वेंटी ट्वेंटी का क्रैश कोर्स था वहाँ पे हमने कुछ किए थे जनरल साइंस में आपको इस तरह से देखना है इसको लास्ट में करना है. अगले जो नेक्स्ट फोर्टी फाइव डेज के ऊपर आ रहे हैं ये सेकेंड स्टेज है उसके इसके अंदर आपको हिस्ट्री पे फोकस रखना है अब हिस्ट्री के अंदर मेजर हिस्ट्री को हम चार पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं ओके okay, चार पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं एक आपका है मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री में सबसे पहले किसको पढ़ना है मॉडर्न इंडिया को पढ़ना है ओके मॉडर्न इंडिया को सबसे पहले पढ़ना है और मॉडर्न इंडिया में ये बुक है स्पेक्ट्रम की बुक स्पेक्ट्रम क्या है पब्लिकेशन का नाम है इसकी बुक है ब्रीफ़ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया इस बुक को पढ़ना है और इस बुक में भी अगर आप जा रहे हो अगेन टाइम कंस्टेंट है तो कोशिश करना 1857 से 1857 का जो रिवोल्ट है वहाँ से 1947 इस वाले इस वाले जो टाइम पीरियड है इसको कवर करना पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट पीरियड ये है, है जहाँ से फ्रीकुंट क्वेश्चन आते हैं okay, इंडियन नेशनल मूवमेंट ओके सबसे मैक्सिमम सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इंडियन नेशनल मूवमेंट से मिलते हैं अब ये कोई जनरलाइज नहीं है कभी कहाँ से भी आता है कभी कहाँ से भी आता है लेकिन ये एक ऐसा आपका एरिया है जहाँ पे आप वीक नहीं रह सकते हो वहाँ पे आपको स्ट्रांग होल्ड अपना रखना है कि अगर यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है इसका मतलब है क्वेश्चन हिट करेंगे बच्चे मेरा क्वेश्चन छूट रहा है गलत हो रहा है तो मैं कंपिटिशन से बाहर हो जाऊँगा या बाहर हो जाऊँगी ये बुक आपको पढ़नी है अगेन वही नोट्स वाली स्ट्रेटजी है ओके फिर कुछ बच्चे पूछेंगे नोट्स कैसे बनाने स्पेशल क्लास में आपका बताया हुआ चलिए फिर आपको मूव करना है एनशियट इंडिया के ऊपर एनशियट इंडिया के ऊपर एनशियट इंडिया में आपकी ओल्ड एन सी आर टी है ओके इसी तरह से आपका मिडाइवल इंडिया है तो आर एस शर्मा और ये एनशियट इंडिया में है सतीश चंद्रा मिडाइवल इंडिया की है ये आपकी ओल्ड एन सी आर टी हैं दोनों के अंदर ओल्ड एन सी आर टी है किसके अंदर एनशियट इंडिया और मिडाइवल इंडिया में ओके तो आप एनशियट इंडिया कर रहे हो उसी के साथ इंडियन आर्ट एंड कल्चर भी करना क्योंकि इंडियन आर्ट एंड कल्चर जो है काफ़ी सारा पार्ट एंशियट इंडिया से जुड़ा हुआ है ओके और कुछ पार्ट जो है आपका मिडाइवल इंडिया से जुड़ा हुआ है मॉडर्न इंडिया पे इतना ज़्यादा फोकस वो नहीं रहता है <coughs> रहता है तो फिर वो परफॉर्मिंग आर्ट के ऊपर आ जाता है फाइन तो एंशियंट इंडिया आपको करना है और इधर से ये मॉडर्न इंडिया आपको पढ़ना है और एंशियट इंडिया के साथ आर्ट एंड कल्चर और इस तरह से मूव करना है आप कितना कितना टाइम देना है किस तरह से डिविज़न करना है ओके okay, ये कुछ चीज़ें सो देखिए आर्ट एंड कल्चर अगेन एक ऐसी बुक है यू हैव दैट नितिन सिंघानिया सर की बुक है ओके okay, बहुत बल्कि बुक है और आप उस बुक को पूरा अच्छे से पढ़ भी लेते हो फिर भी यू आर नॉट श्योर वेदर यू विल भी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन इन द प्रॉलम्स और नॉट ओके फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे टॉपिक हैं जैसे कि आपका बुद्धिज़म है जैनिज़म है ओके okay? इस तरह से फिलासफीज़ हो गई ओके okay? जो रिलीजन या जो मूवमेंट्स हैं आ, उनकी फ़िलासफ़ीज़ हो गई उनसे जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो इस तरह के क्वेश्चन का नेचर ऐसा है कि आप जो जनरल बुक्स हैं वहाँ से नहीं कर पा रहे हैं उनको तो वहाँ पे ये कुछ ऐसे एरियाज़ हैं इस तरह से आपको एरियाज़ आइडेंटिफाई करने हैं ओके okay, ये कुछ ऐसे एरियाज है जहां पे आपको जाके और एक्स्ट्रा एफर्ट मारना पड़ेगा ओके okay, अब बुद्धिज्म है हर साल मिनिमम है एक या दो क्वेश्चन तो रहेंगे ओके okay, और वो ऐसे क्वेश्चन है वो आप इन बुक से हिट नहीं कर सकते तो ये कुछ अपने एरियाज आइडेंटिफाई कर लो ये कैसे पता चलेगा पेपर एनालिसिस से जैसे कि बुद्धिज्म हो गया जैनिज्म हो गया ये ये सब हैं इस तरह के एरियाज हैं जहां पे आपको एक्स्ट्रा एफर्ट मारना पड़ेगा और वहां से क्वेश्चन रहते हैं और बहुत अच्छी बात है ना अगर आप हिट कर रहे हो क्योंकि आपके कंपिटेटर्स नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने ये बुक पढ़ी है इस बुक से हो नहीं रहा है वो क्वेश्चन और यू हर साल वो क्वेश्चन पूछ रही है उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रही है तो इस तरह से मूव करना है लेकिन पहले इन बुक्स को करिए फिर उसके बाद में आप एक्सटेंशन करिए जैसे कि एनशेंट इंडिया है पहले आर एस शर्मा को कर लीजिए फिर आपके पास में टाइम uh, है डेफिनेटली यू शुड गो फॉर तमिलनाडु के जो बुक्स uh, हैं ओके okay? तमिलनाडु बोर्ड की जो बुक्स हैं वो भी एनशेंट इंडिया के लिए अच्छी मानी जाती है तो उसको पढ़ सकते हो ओके okay? तो यहाँ पर एक्सटेंशन की ज़रूरत है ये कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जहां पे एक्सटेंशन की जरूरत है तो पढ़ लेना लेकिन ये गलती मत करना कि पहले ही हिस्ट्री उठा के बैठ गए और एंशेंट इंडिया पढ़ रहे हो आर एस शर्मा पढ़ी फिर तमिलनाडु बोर्ड की बुक पढ़ी पता चला एक महीने बाद आर एस शर्मा भी गायब है तमिलनाडु बोर्ड की बुक भी गायब है और फिर आप बैठे हो कि यार मेरा पूरा एक महीना तो ऐसे ही निकल गया इसलिए नोट्स बनाना जरूरी है ओके और रिवीजन करना जरूरी है तो ये इस तरह से आपको फॉलो करना है इसलिए हमने ये जो है इसको लास्ट में लिया है शुरू में नहीं लिया है क्योंकि ये आप कर रहे होंगे ओके okay, तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा कि यार टाइम लग रहा है टाइम लग रहा है लेकिन मेरे बाकी सब्जेक्ट तो पूरे हैं ओके okay, और इसी बीच में अब नेक्स्ट फोर्टी फाइव डेज है तो एक्सक्लूसिवली ये सारी चीज़ें नहीं करनी है इसके अंदर आपको रिविज़न का कम्पोनेंट इंक्लूड करके रखना है ओके okay, रिविजन का कॉम्पोनेंट इंक्लूड करके रखना है रिविज़न <coughs> का कॉम्पोनेंट लेटेस्ट से कि अगर आप डेली आठ घंटे पढ़ रहे हो तो दो घंटे आप पीछे वाले सब्जेक्ट को भी रिवाइज़ कर रहे हो और रिविजन में आपके शॉर्ट नोट्स रहेंगे जो बहुत हैंडी होंगे क्योंकि अगर आप पूरी बुक को रिवीजन करने के लिए जाते हो तो एक तो एक कहते हैं ना यार थोड़ा सा आलस हो जाता है ओके फिर एक फियर भी होता है यार वापस से वही बुक कैसे एक आप शॉर्ट नोट्स के लिए जा रहे हो हैंडी है फटाफट से आपने देख लिया ओके तो वो चीज़ सही रहती है नेक्स्ट हम आते हैं दैट इज़ दिस करंट अफेयर ओके तो हमने छः सब्जेक्ट डील कर लिए हैं अभी आपके ओके छः सब्जेक्ट डील कर लिए शुरू वाला जो फर्स्ट फोर्टी फाइव टू सिक्सटी डेज का मॉड्यूल है उसमें आपको क्या लेना है पॉलिटी एनवायरमेंट इकोनॉमी और ज्योग्राफी फिर जो नेक्स्ट आपके डेज रहेंगे उसके अंदर आपको चीज़ें जो फोकस करनी है वो है हिस्ट्री के ऊपर हिस्ट्री में भी पहले मॉडर्न इंडिया एंशेंट इंडिया पे जाएंगे उसके बाद आर्ट एंड कल्चर और मिडाइवल को देखेंगे और आपको साइंस एंड टेक और जनरल साइंस देखना है करंट अफेयर सब करंट अफेयर कब पढ़ना है सब ये तो आपका डेली का काम है डेली आपको करंट अफेयर पढ़ना है डेली करंट अफेयर पढ़ना है क्यों पढ़ना है क्योंकि क्यों क्यों ये ओके okay, ये आपको एक ओवरव्यू देता है चीज़ों को देखने का नज़रिया और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से आप ऐसे क्वेश्चन जो किसी किताब में नहीं है और यूपीएससी में हर साल इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जो किसी बुक में नहीं है या ऐसा मेंशन नहीं है एंड यू विल फाइंड कि वो वहाँ से डायरेक्ट भी आ रहे हैं करंट अफेयर से क्वेश्चन इनडायरेक्ट भी आ रहे हैं और करंट अफेयर को स्टैटिक पोर्शन से अगर रिलेट कर दे रहे हो तो बहुत ज़्यादा इसका वेटेज होता है तो करंट अफेयर तो डेली बेसिस पर पढ़ना ही पढ़ना है क्योंकि कई बार क्या होता है यू पी अनप्रडिक्टेबल है कई बार डायरेक्ट करंट अफेयर से मतलब डायरेक्ट फैक्ट योजनाज हो गए या कोई नया कोई इस तरह से स्कीम इस, आ रही है कोई नया इन्वेंशन है कोई नई टेक्नोलॉजी है डायरेक्ट तरीके से भी आप जाते हो तो 40 प्लस क्वेश्चन हिट हो जाते हैं ओके तो ये एक ऐसा एरिया है जो आपको करके रखना है और ये बहुत चैलेंजिंग है इसलिए आपको डेली बेसिस पे करना है क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए करंट अफेयर के लिए देखो यार सबसे इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं आपके न्यूज़पेपर्स हो गए और गवर्नमेंट रिलेटेड न्यूज हैं तो आपके ये सोर्सेज हैं लाइक प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो इकोनॉमिक सर्वे बजट इंडियन ईयर बुक मैगजीन्स हैं मैगजीन में आपकी योजना है कुरुक्षेत्र लेट है। मी टेल यू आपका कुरुक्षेत्र का इशू है इसी साल का जून 2020 कुरुक्षेत्र है ओके okay? हमने डिस्कस भी किया है मैंने आपको समरीज इज अवेलेबल ऑन द यूट्यूब वहाँ से आप देखेंगे एक आर्टिकल है वहीं से उसमें जो टेक्नोलॉजीज डिस्कस की हुई है वहाँ से डायरेक्ट बैक टू बैक तीन क्वेश्चन हैं ओके एक एग्रीकल्चर पे एक आर्टिकल है वहाँ पे बात हुई है ब्लॉकचेन की ओके वहाँ पे बात हुई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वहाँ पे बात हुई है ड्रोन्स की, की और तीनों पे वहाँ से क्वेश्चन है और वह ऐसे क्वेश्चन है जनरलाइज क्वेश्चन है वो ऐसा नहीं है कि कोई किताब में लिखा हुआ मिलेगा और आपको पढ़ना है ओके दैट इज़ बेसिकली टेस्टिंग योर प्रजेंस ऑफ माइंड कॉमन सेंस इस तरीके से तो ये सब चीज़ें आपको हेल्प करती हैं न्यूज़पेपर एनालिसिस हैं तो आपको हिंदू इंडियन एक्सप्रेस ये कवर होनी चाहिए दोनों इंपॉर्टेंट हैं प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो दैट इज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो नोडल एजेंसी है ओके okay, जहाँ से गवर्नमेंट रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ हैं गवर्नमेंट का कोई अचीवमेंट हो गया कोई स्कीम हो गई ये सब तो रहते ही हैं इसके अलावा हमें ये भी पता चलता है यार किस चीज़ पे गवर्नमेंट का फोकस है क्या प्रायोरिटी एरियाज है ओके दैट्स दरसा इट इज़ इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक सर्वे बजट है तो ये तो फटाफट से हो जाते हैं इंडिया ईयर बुक है तो इसको भी पढ़ने का एक स्ट्रैटी है लाइन टू लाइन नहीं पढ़ना है और इतनी मोटी किताब है ओके okay, पूरी प्रिपरेशन एक तरफ और फिर इंडिया ईयर बुक इकोनॉमिक सर्वे ये एक तरफ ओके okay? ऐसे नहीं करना है ऐसा मत करना फाइन इकोनॉमिक सर्वे पे भी स्पेशल क्लास है बजट पे भी स्पेशल क्लास है ये तो देख लेना इंडिया ईयर बुक पे कोई अलग से एक सेशन ले लेंगे कैसे कवर करना है तो इनको बाद में रखना है फोकस किस पे रखना है यू हैव दैट पी आई बी सोर्सेज लाइक न्यूज़ पेपर पी आई बी मैगजींस एटलीस्ट योजना तो कवर कीजिए ओके योजना जो है ज़्यादा मेन्स ओरिएंटेड हो जाती है बट स्टिल जैसा मैंने कहा कि आपको पता चलता है कि आप प्रायरिटी एरियाज़ हैं ओके वैसे तो कुरुक्षेत्र भी जो है काफ़ी कुछ मेंस ओरिएंटेड ही है एस में हेल्प कर रहा है मेंस में इंटरव्यू में हेल्प कर रहा है लेकिन वहाँ से जो क्वेश्चन उठ के आए हैं जिस तरह से ओके जिन टॉपिक्स को वहाँ से लिया गया है, तो वो चीज़ें हेल्प कर जाती हैं तो टाइम है तो कर सकते हैं या कोई समरी एनालिसिस अवेलेबल है तो वो देख लीजिए तो योजना कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र का अभी नहीं आ रहा है योजना की तो आपकी अवेलेबल है ओके गो थ्रू दो सेशंस कैसे कवर करना है अपने आ, बेसिस पे कीजिए अदरवाइज जो न्यूज़ एनालिसिस होते हैं डेली न्यूज़ एनालिसिस होता है ओके लेट मी टेल यू डेली बेसिस पे आपकी क्लासेस रहती हैं ओके okay, जिसके अंदर आपका एक होता है डेली करंट अफेयर के नाम से न्यूज एनालिसिस जो होता है डेली करंट अफेयर्स इसकी क्लासेस आपको अवेलेबल रहेंगी एक आपका है डेली पीआईबी एनालिसिस ये आपको अवेलेबल रहता है ओके डेली बेसिस पे इसी चैनल पे इसकी क्लासेस अवेलेबल हैं आप मंथ डालिए और इस तरह से नाम डाल दीजिए या मेरे नाम से सर्च कर सकते हैं ओके okay? और उसके जो वीडियोस होंगे जो बच्चे पुराना करंट अफेयर कवर करना चाह रहे हैं क्योंकि इसमें एक ये डिलीमा रहता है कि सर हमें करंट अफेयर कब से पढ़ना है ओके okay, कब से पढ़ना है तो देखो आइडियली तो ये होता है कि लास्ट के टू ईयर्स तक आपको जाना है जैसे जून ट्वेंटी को आपका एग्ज़ाम है ओके okay, तो आप जून टू थाउजेंड नाइनटीन से कवर करें ओके okay? लेकिन यहाँ पे अगर आपके पास टाइम कम पड़ रहा है तो आप जनवरी 2020 से कर सकते हो ये तो मिनिमम है आपका ये तो मिनिमम बनता है ओके okay? जनवरी 2020 से आपको करंट अफेयर्स कवर करने हैं ओके एंड नाउ द स्टूडेंट्स गो फॉर द मैगजीन्स ठीक है वो लास्ट रिसोर्ट है कि हमें मैगजीन पढ़नी है इस इंस्टीट्यूट की पढ़ लिया लेकिन जो डेली बेसिस पे आप करंट अफेयर कवरेज कर रहे हो उसका मुकाबला नहीं है ओके okay? क्योंकि मैगजीन के लिए जा रहे हो ये उसी तरह से है कि आपने पूरे महीने भर का खाना एक साथ खा लिया ओके okay, महीने भर का खाना एक साथ खा लिया आप कितना आपको याद रहता है कितना वहाँ पर कवरेज दिया गया है ओके okay, क्या वो इन डेप्थ इतना कवरेज है समथिंग लाइक दिस तो ये चीज़ें हैं तो शुरू में ओके इट इज़ एडवाइजेबल कि यार डेली बेसिस पे आप न्यूज़पेपर कुछ पढ़ लो ओके okay, ताकि आपको चीज़ें ध्यान रहें ध्यान रहें इस तरह से तो डेली बेसिस पे करंट अफेयर को लेना चाहिए चाहे आप वो न्यूज़ एनालिसिस देख रहे हो या अपने बेसिस पे कर रहे हो लेकिन डेली बेसिस पे आपको करना चाहिए करंट अफेयर ठीक है Uh, अब आते हैं हम जो नेक्स्ट पार्ट है ओके नेक्स्ट पार्ट जो है इस पर हम आएंगे दट uh, इज uh, कि कैसे स्ट्रेटजी आगे फॉलो uh, करनी है ये दो दो स्टेजेस हमने डिस्कस किए हैं चार स्टेज पे हमने स्ट्रैटेजी uh, बनाई है ओके okay? तो ये अभी तक हमने जो आपका हंड्रेड डेज है सो कॉल्ड नाइन्टी डेज या हंड्रेड डेज वो हमने कवर किए है नेक्स्ट नाइन्टी डेज मतलब अगले लास्ट के जो तीन महीने हैं उस पर हम आएंगे सो फाइन देखिए उस पर मूव करने से पहले मैं uh, एक बार आपको ये वापस से इंट्रोड्यूस कर दूँ दैट इज दिस बैच ओके ये जो सिक्स मंथ का जी एस बैच कोर्स स्टार्ट हो रहा है ओके okay? क्योंकि लास्ट ईयर भी अल्टीमेट क्रैश कोर्स करके स्टार्ट हुआ था 2020 प्रॉब्लम्स के लिए जिस काफ़ी हेल्पफुल था ओके कम टाइम में मैक्सिमम कवरेज कम टाइम में मैक्सिमम कवरेज सो यू कैन गो फॉर डायरेक्टली दीज काइंड ऑफ कोर्सेज अगर ऐसा कोई कोर्स यहाँ पे मिल रहा है जहाँ पे आपको टॉप एजुकेटर्स हैं उनको एक्सेस हो रहा है फाइन प्रोबिम्स के लिए टेस्ट सीरीज है पूरा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है नोट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं डाउट क्लियरिंग सेशनस है सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दोज सेशन एज वेल ओके ये आपका फिफ्टीन दिसंबर से कोर्स स्टार्ट हो रहा है प्लस प्लेटफॉर्म पे ओके okay? इसके लिए जा सकते हैं प्लस प्लेटफॉर्म पे बाईलिंगवल भी है जैसे हमारी क्लास हो रही है ओके okay? हिंदी uh, के अंदर भी है एंड इंग्लिश के अंदर भी अवेलेबल है नेक्स्ट आते हैं देखिए एक बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि सर टाइम टेबल क्या होना चाहिए डेली रूटीन क्या होना चाहिए अब देखो यार ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है ओके इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है ये उसी तरह से होगा कि किसी को ओके okay, किसी को समोसा अच्छा लग रहा है आ, किसी को रसगुल्ला अच्छा लग रहा है ओके okay? मतलब किसी को मिठाई पसंद है किसी को नमकीन पसंद है अब किसी को रसगुल्ला पसंद नहीं है कुछ और जलेबी मिठा जलेबी पसंद है तो ये आपका इंडिविजुअल टेस्ट है अल्टीमेट uh, ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको एनर्जी मिलनी चाहिए पेट आपका भरा हुआ रहना चाहिए टेस्ट एंड एनर्जी दोनों हो गए इस केस में सो so, देखिए डेली टाइम टेबल है तो वहां पे क्या है आपका इंटरेस्ट भी रहना चाहिए ओके okay? इंटरेस्ट भी बना रहना चाहिए एट द सेम टाइम आपको सिलेबस भी कवर करना है ओके okay? सिलेबस भी कवर करना है तो uh, जो जॉब के साथ कर रहे हैं वो वीकली टारगेट बना लो जो डेली बेसिस पे कर रहे हो वो डेली का टारगेट बना लो ओके okay? कि मुझे इतने घंटे पढ़ने अब उसमें आप एक चीज मैं आपको एडवाइस करूंगा ओके okay, एक चीज़ एडवाइस करूँगा वो ये है कि आपको डेली बेसिस पे ये नहीं करना है कि मुझे दो घंटे पढ़ना है या मुझे बारह घंटे पढ़ना है ओके okay, मुझे तीन घंटे ये हिस्ट्री पढ़नी है ऐसे मत करो ओके okay? जितनी चीज़ें डिफाइन करके रखोगे ओके okay? जितनी चीज़ें क्लियर करके रखोगे जितनी चीज़ों को ऑब्जेक्टिव रखोगे ओके okay? उतना माइंड में क्लैरिटी रहेगा उतना ही ज़्यादा चांस होगा कि आप उस गोल को अचीव कर सको ओके okay? आप बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली ऐसे मत लिखो तीन घंटे हिस्ट्री पढ़ना है ओके okay, ऐसे लिखो तीन घंटे अगर मैं पढ़ रहा हूं ओके फॉर फॉर एग्जाम्पल आप आठ घंटे पढ़ रहे हो लेटर्स रज्यूम कि आप आठ घंटे पढ़ रहे हो तो आप आठ घंटे में से आप ये लिखो कि तीन घंटे मुझे हिस्ट्री के अंदर कौन से चैप्टर पढ़ने लेटस से कि मुझे 1857 फिफ्टी रिवोल्ट है या जो सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स हैं दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं रिलीजियस मूवमेंट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है सोशल रिलीजियस मूवमेंट ओके तो आप स्पेक्ट्रम से ये चैप्टर पढ़ रहे हो लेटस्ट से चार से पाँच घंटा इसको चैप्टर को मैं मानता हूँ लगेगा या फिर इसको दो पार्ट में आप कवर कर सकते हो क्योंकि फैक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं इसके अंदर ओके तो आपने देखा कि हाँ यार आज और कल आपने लिखा तीन घंटे सोशल रिलीजियस मूवमेंट नेक्स्ट डे तीन घंटे सोशल रिलीजियस मूवमेंट अलॉन्ग विद द नोट मेकिंग अगर आप पहली बार भी पढ़ रहे हो तो छः घंटे में ये चैप्टर पूरा होना चाहिए इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए अब इसमें कोई कंसेप्ट इन्वॉल्व नहीं है इन्फॉर्मेशन ही तो है आर्य समाज क्या था क्या नहीं है किन प्रिंसिपल्स में बिलीव कर रहा है किन में नहीं कर रहा है ओके okay, ये सब चीजें तो इस तरह से आपको लिखना है ऑब्जेक्टिवली लिखना है और डेली के टारगेट डेली एक पेपर पे आपको लिखना है अपनी टेबल पे डेस्क पे लिखना है आपको पूरे दिन भर वो दिखना चाहिए आपकी नजरों के सामने रहनी चाहिए वो चीज समझ रहे हैं इस तरह से आपको डेली बनाना है और डेली तो बनाना ही है लेकिन एक, एक लॉन्ग टर्म भी सेट करो पॉलिसी जैसे होता है ना फाइव ईयर प्लान आया करता था पहले अभी आपका नीति आयोग की स्ट्रेटजी आती है ओके सेवन ईयर के लिए है समथिंग लाइक दिस तो ऐसे पूरा वीकली प्लान भी बनाओ कि इस वीक में ये टारगेट रखो कि मुझे लेटस से इस वीक के अंदर मुझे इन्वायरमेंट है या पॉलिटी है ओके तो पॉलिटी के अंदर मुझे पार्लियामेंट का चैप्टर ख़त्म कर लेना है मुझे फंडामेंटल राइट और ये सब चीज़ें ख़त्म कर लेनी है फिर अगले सात दिन में मैं ये वाला सेक्शन ख़त्म करूंगा इस तरह से मैं पूरी बुक खत्म कर रहा हूँ तो एक पूरा उसका स्ट्रक्चर बना लो फिर उस बेसिस पर अपना वीकली और डेली टारगेट बना लो ओके okay, ऑब्जेक्टिव रखो चीज़ों को अगर आप सोचोगे कि हाँ अच्छा मुझे पंद्रह दिन में ये करना है तो वो फिर पंद्रह दिन में आपको पता नहीं चलेगा कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा है ओके okay, आपके पर कुछ इस तरह से प्रेशर भी नहीं रहेगा दिस इज़ द राइट वे टू गो फॉर ओके तो डेली रूटीन टाइम टेबल में मैं ये नहीं कहूँगा ओके okay? कि आपको इतने बजे उठना है इतने बजे करना है जो भी आपको फेवरेबल है जो भी सूटेबल है ओके okay? uh, उस तरह से आप कीजिए वैसे ओके uh, okay? रात में सोना अच्छा रहता है कुछ बच्चे पूरी रात भर जगे रहते हैं ओके आई आई uh, across अक्रॉस फ्यू क्वेरीज के इंडिविजुअल काफ़ी सारी क्वेरीज आ जाती है रात के दो दो बजे तक ओके सर दिस इज नॉट गुड क्योंकि कई बार रात को दो बजे तक भी आपका प्रेजेंटेशन तैयार हो रहा होता है सो so, हमारे लिए कंपलशन हो जाता है जगना पड़ेगा एंड uh, सुबह पाँच बजे आपका न्यूज़ पेपर आ रहा है तो वो भी पढ़ना पड़ेगा फाइन <coughs> तो आपको ऐसा नहीं करना है Uh, कोशिश कीजिए कि ओके uh, okay, एक प्रॉपर रेस्ट रहे रात का जो टाइम है ओके okay? क्योंकि आपको पेपर यार दिन में ही देना है ओके okay? अगर आप दिन में सो रहे हो वो सुबह वाले टाइम में तो वो चीज़ वहाँ पे भी थोड़ा सा हेम्पर कर जाती है ओके okay? और uh, तो ये हो गया आपका डेली रूटीन टाइम टेबल ऑब्जेक्टिविटी इज़ द की गोल्स को पेपर पे लिख के अपने सामने रखिए अब बात करते हैं थर्ड स्टेज की ओके थर्ड स्टेज की नेक्स्ट सिक्सटी डेज़ की तो शुरू के जो नाइन्टी हंड्रेड डेज़ हैं उसमें मैंने आपको आइडिया दे दिया कैसे सिलेबस को कवर करना है सिलेबस कवरेज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हंड्रेड परसेंट सिलेबस कवरेज कुछ नहीं होता है यू जैसे एग्जामिनेशन में ओके अगर आप सोच रहे हो मेरा पूरा सिलेबस होगा तब मैं ये करूँगा तब मैं फुल लेंथ टेस्ट के लिए जाऊँगा जाऊँगी या तब मैं आंसर राइटिंग करूँगा फू ये नहीं होता है लेकिन हाँ ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल उठ के चले जा रहे हैं टेस्ट देने के लिए तो वो आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल हटा देगा ओके आपने कुछ पढ़ा नहीं है बेसिक कॉन्सेप्ट आपको नहीं है बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है आप आंसर राइटिंग कर रहे हो या आप टेस्ट लिखने चले गए फिर वहाँ पे मार्क्स नहीं आ रहे हैं वहाँ परफॉर्मेंस नहीं कर रहे तो आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर लोगे कि यार मेरे को ये आता नहीं है मैं नहीं कर सकता हूँ नहीं कर सकती हूँ तो वो चीज़ भी गलत है सिलेबस कम्प्लीशन आपको ये हो कि हाँ यार सेवेंटी एट्टी तक मैंने टच कर लिया है सेवेंटी एट्टी तक स्टैंडर्ड बुक्स को एटलीस्ट मैंने कम्प्लीट कर लिया है स्टैंडर्ड बुक्स को एटलीस्ट कंप्लीट कर लिया है करंट अफेयर पे मेरा थोड़ा इस तरह से पकड़ है सो नेक्स्ट सिक्सटी डेज की बात करते हैं नेक्स्ट सिक्सटी डेज पे किन चीजों पे फोकस करना है आपको देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है टेस्ट आपको देने हैं ओके okay? टेस्ट आपको देने हैं और क्या इंपॉर्टेंस रहेगा टेस्ट का ओके okay, टेस्ट आपको तैयार करेगा ओके आपके माइंड को प्रिपेयर करेगा किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं किस तरह से वो एग्जामिनेशन में आपको परफॉर्म करना है नहीं करना है एटलीस्ट दस टेस्ट तो दे दीजिए ओके okay? ये सिक्स सिक्सटी डेज का पीरियड है दो महीने हो गए एक महीने में पांच भी टेस्ट देते हैं तो दो महीने में मैं दस टेस्ट मानता हूँ फुल लेंथ फुल लेंथ आप दस टेस्ट दे दीजिए सेक्शनल वाइज भी टेस्ट होते हैं सेक्शन वाइज जैसे पॉलिटी का टेस्ट हो गया एन्वायरमेंट का हो गया जोग्राफी का हो गया वो भी होते हैं और इस तरह से आपको अनलिमिटेड अवेलेबल है ये अनएकेडमी uh, पर इस तरह से आपको अनलिमिटेड टेस्ट प्रैक्टिस अवेलेबल है हर सब्जेक्ट के ऊपर ओके okay? और अभी आपका गेमीफाइड बैटल चल रहा है ओके okay? गेमीफाइड uh, इस तरह से बैटल चल रहा है जो हर संडे इस तरह से है जहाँ पर आप अनएकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो वहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हो गेम फॉर्मेट में है ओके okay? प्रिपरेशन uh, को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपका जो टेस्ट का डर है उसको निकालने के लिए फाइन तो ये है यू कैन गेट एक्सेस टू दैट गेमी बैटल एज वेल अगेन इफ यू नीड दैट कोड दैट दैट विल बी ओके अगर उसको एक्सेस करने के लिए कोड आपका मांग रहा है सो यू कैन जस्ट पुट दैट कोड मॉक टेस्ट का इंपॉर्टेंस आप सभी को पता है ऐसा कुछ बताने की जरूरत नहीं है एग्जामिनेशन के लिए आपको प्रिपेयर कर रहा है डिस्ट्रैक्शन को कम करता है आपको पता है अच्छा ये क्वेश्चन है इस तरह से है इस तरह से कोई नया इंफॉर्मेशन है तो उसको वहां से नोट डाउन कर लिया टेस्ट में से ओके कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहा है एग्जामिनेशन का फियर कम कर रहा है अब ये तो अच्छी बात है ठीक है ना लेकिन वो कहते हैं ना अति भी बुरी होती है ओके टू मच इज नॉट गुड तो यहाँ पे कुछ बच्चे क्या करते हैं कि ये इंस्टीट्यूट हैं ओके ये मेजर मेजर बड़े बड़े नाम जो हैं इंस्टीट्यूट्स के इसकी भी टेस्ट सीरीज कर ली इसकी भी कर ली इसकी भी कर ली इसकी भी कर ली फिर बच्चे आपस में बात करते हैं कि यार मैंने इस बार सो टेस्ट लगाए हैं एंड आई एम नॉट जोकिंग दिस इज लिटरली ट्रू ओके okay, कि मैं इस बार सो टेस्ट लगाऊंगा यहाँ से इतने क्वेश्चन फंस जाएंगे क्योंकि हर हर कोई यही वो करता है ओके okay? क्लेम करता है कि हमारी हमारे यहाँ से इतने क्वेश्चन हमारे यहाँ से इतने समथिंग लाइक दिस तो बच्चे क्या करते हैं इस इस कोशिश में जाते हैं कि हम 50 टेस्ट लगाते हैं हम 100 टेस्ट लगाते हैं इन सब हम कवर कर लेंगे तो ये स्ट्रैटेजी सही नहीं है ऐसे कोई सलेक्शन नहीं हो रहा है आपका गेटिंग दिस और ये जो आ रहा है कि हमारे यहाँ से 50 क्वेश्चन है 50 परसेंट पेपर है समथिंग लाइक दिस वो टॉपिक हिट हो रहे हैं वो क्वेश्चन हिट नहीं हो रहा है वो टॉपिक हो रहा है और टॉपिक तो आपके सारे के सारे टॉपिक तो स्टैटिक बुक्स में मेंशन है ओके लेट अस से अगर हम लक्ष्मीकांत सर की बुक की बात करें ओके okay, तो वो कहेंगे कि यार नाइन्टी पॉलिटी यहीं से आता है ओके स्टैटिक पोर्शन नाइन्टी तक पॉलिटी यहीं से क्वेश्चन होगा सो दिस इज दिस शुड नॉट बी द वे कहने का मतलब है कि यार ऐसे मत करना कि हाँ मुझे तीस टेस्ट लगाने हैं ऐसा मत करो टेस्ट का पर्पज केवल यही रखो ओके okay? टेस्ट का पेपर पर्पज केवल यही रखो कि आपको एग्जामिनेशन के लिए वो तैयार कर रहा है टेस्ट परफॉर्मेंस पे भी ज्यादा फोकस नहीं करना है आपको कि मेरा बहुत अच्छा हो रहा है ओके okay? कुछ बच्चे होते हैं 150 160 तक मार्क क्लॉक कर रहे हैं जब प्रबल्स का पेपर होता है आ, सत्तर नंबर क्लॉक करना मुश्किल हो जाता है सेवेंटी मार्क्स उनसे क्रॉस नहीं हो पाते ओके okay, कुछ बच्चे होते हैं जो 70, 65, 70 की रेंज पे हैं वो आराम से कट ऑफ क्लियर कर जाते हैं 120 प्लस पे आ जाते हैं तो आ, नंबर पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है ओके okay, और इनके ऊपर दौड़ नहीं लगानी है कंपटीशन नहीं करना है कि मुझे 30 करने हैं 25 टेस्ट करने हैं मुझे 100 टेस्ट करने हैं ओके व्हाट शुड बी द पर्पस ऑफ द मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट का पर्पस है कि आप पूरे पेपर को कैसे उस टाइम को हैंडल कर रहे हो क्या स्ट्रेटजीज़ को आप यूज कर रहे हो okay. क्या स्ट्रेटजीज़ को आप यूज कर रहे हो कैसे पूरे पेपर को हैंडल कर रहे हो इस पर हम लास्ट के अंदर आएंगे जब मैं बताऊंगा लास्ट <coughs> में एक बार इस पर वापस आएंगे फाइन एक्सक्यूज फाइन एंड रिगार्डिंग द स्ट्रेटजीज एंड ऑल ओके कैसे किसी क्वेश्चन को सॉल्व क्योंकि देखिए यूपीएससी एग्ज़ाम में क्या होगा अगर आप ये सोच के जा रहे हैं कि जो मुझे आता है वही क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा या करूंगी <coughs> तो पेपर क्लियर होना मुश्किल है ओके okay? बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे कि आपको कुछ ऑप्शन आते होंगे ओके okay, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं बहुत सारे होते हैं तो कैसे स्ट्रेटजीज अप्लाई करनी है कैसे उसको हिट करना है एक्सक्यूज़ <coughs> मी तो इसके लिए जो ये क्रैक प्रॉब्लम्स एमसीक्यू सीरीज आपकी चली हुई है जिसके काफ़ी सारे सेशंस हुए थे प्रिलिम्स से पहले हमने बहुत सारे इसके क्लासेस लगाई थी और प्रिलिम्स के अंदर बहुत हेल्प हुई थी इससे बच्चों को सो so, uh, कोशिश की जाएगी कि ये आपकी फ्री क्लास है अगेन यहीं पे एक्सेस होगी स्पेशल क्लास में किसके सेशंस भी लाए जाएं तो इस तरह के आप सेशन अटेंड कीजिए ओके okay, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि हाँ यार ये मैंने पढ़ा है तो पढ़ा है तो मुझे हो भी रहा है क्वेश्चन आ भी रहा है नहीं आ रहा है इसलिए <coughs> चलिए नेक्स्ट है अब आपका आता है लास्ट थर्टी डेज का पीरियड ओके लास्ट थर्टी डेज है जब आपका एक महीना रह गया है एग्जाम के अंदर ओके मतलब आपका मई तक खत्म हो गया है अब केवल और केवल आपके हाथ में जून का मंथ बच रहा है ओके जून इज देयर यू हैव वन मंथ देयर क्या करना है ओके क्या करना है एक चीज ध्यान रखना लास्ट के अंदर आपका जो भी जितना भी आपने सिलेबस कवर किया है ओके जितना भी हो गया है स्टैंडर्ड बुक कंप्लीट तो करनी है अगर स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड बुक कंप्लीट नहीं हुई है ढंग से तो वो तो एडिशन आपको करना ही है उसके अलावा कोई एडिशन मत करना अलग से ओके अलग से कुछ एडिशन मत करना अनटिल अनलेस करंट अफेयर में आपको कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है करंट अफेयर में कुछ एडिशन करना हो तो ठीक है लेकिन उसके अलावा कुछ एडिशन मत करना लास्ट थर्टी डेज में जिस एक चीज़ पर आपको फोकस करना है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है जो भी अभी तक आपने पढ़ा है जो भी हम इतनी देर से बात करते आ रहे हैं जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उसका आपको क्या करना है मल्टीपल रिवीजन रिवीजन नहीं है ये ये है मल्टीपल रिवीजन <coughs> क्या फ़ायदा होगा इससे इससे जो बच्चे कहते हैं ना सर हम टेस्ट तो दे रहे हैं लेकिन स्कोर मार्क्स आ, आ नहीं रहे हैं ओके okay? उसका सॉल्यूशन है ये डेफिनेटली आपको मार्क्स आ नहीं रहे हैं, दो ही रीजन होंगे या तो आप क्वेश्चन हिट नहीं कर पा रहे हो इसका मतलब आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है या आप क्वेश्चन हिट तो कर रहे हो मतलब अटैम्प्ट तो कर रहे हो लेकिन आपके गलत हो रहे हैं इसका मतलब आपका रिवीजन नहीं हुआ है ओके तो रिवीजन कीजिए उस चीज़ को जो आपने नोट्स बनाए हैं लेटस्ट से आपने लक्ष्मीकांत को कंपाइल कर लिया है जितने भी आपके पेजेस हैं या लक्ष्मीकांत में आपने हाईलाइट करके देखा हुआ है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनका रिवीजन कीजिए स्पेक्ट्रम की बुक है उसको रिवीजन कीजिए ओके एक दो तीन चार पाँच बार तक रिविजन कर दीजिए सर कैसे पॉसिबल होगा पाँच बार तभी तो मैंने कहा था कि आपको नोट्स बनाने हैं शॉर्ट नोट्स बनाने हैं क्योंकि वो जो सात पन्ने हैं उनको आप सात बार रिवाइज नहीं कर सकते लेकिन जो सेवेंटी पेजेस हैं उनको आप दस बार भी रिवाइज करोगे ओके okay? क्योंकि जब आपने फर्स्ट टाइम रिवाइज किया है उन सेवनटी पेजेस को तो लेटर्स से पूरा दिन लग गया हो आपको सेकेंड टाइम रिवाइज करोगे चार घंटे में हो जाएगा जब आप उसको सेवन्थ टाइम रिवाइज कर रहे हो एक घंटे में कंप्लीट हो जाएगा ओके okay? तो जब लास्ट के सेवन डेज आते हैं ओके okay? लास्ट के सेवन डेज आते हैं तो आपका इस तरह से होना चाहिए कि मेरे पास चार घंटे मुझे अब एक बार इकोनॉमी को देखना है ओके Uh, अब मेरे पास में पा, दो घंटे हैं मुझे एक बार मॉडर्न इंडिया देखना है इस तरीके से ये आपका लेवल ऑफ़ प्रिपरेशन हो जाना चाहिए ये आपका लेवल ऑफ़ प्रिपरेशन यहाँ तक आपको लेके आना है वो कब पॉसिबल है जब आपने एक प्रॉपर वे के अंदर ओके okay, प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ स्टेप बाई स्टेप अपनी प्रिपरेशन की होगी ओके okay? और यही यही एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको और कंपिटिटर से अलग करेगा ओके okay? जो वहाँ पे आपकी हेल्प करेगा कि कैसे मैं जो है एलिमिनेट कर सकता हूँ ऑप्शंस को या कर सकती हूँ ओके okay, कैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट किया जा सकता है कैसे जो एलिमिनेशन स्ट्रेटजी है इसको यूज किया जा सकता है कैसे कोई क्वेश्चन आ नहीं रहा है फिर भी आप देख रहे हो कि हाँ हो सकता है या नहीं हो सकता है कैसे आप पेपर का लेवल असेस करोगे कि पेपर हार्ड चला गया या कम चला गया है फाइन uh, तो इस ये आपको स्मार्ट स्टडी करना है गेटिंग दिस तो ये जो सब चीजें हैं कि एलिमिनेशन टेक्निक है कैलकुलेटेड रिस्क आपको लेना है नहीं लेना है एग्जामिनेशन का लेवल क्या है कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं समथिंग लाइक दिस ओके ये सब कब पता चलेगा जब आपका ये प्रिपरेशन इस तरह से रॉक सॉलिड वे के अंदर रहेगा ओके okay? ये आपकी है अब कुछ और चीजें हैं एज की बात हो रही है कंपिटीटर से एज लेने की बात है कम्पिटिशन ही तो है आपको 200 में से 200 नंबर तो लाने नहीं है आपको केवल कट ऑफ क्लियर करना है क्वालिफाइंग ही तो है कट ऑफ ही तो क्लियर करना है आपको तो स्मार्ट स्टडी द इज द वे स्मार्ट स्टडी क्या है जो मैंने अभी आपको बताया स्टैंडर्ड सोर्सेज को पहले इस तरह से फॉलो करना ओके स्मार्ट स्टडी में ये भी है कि आपको चीज़ें पता है लेकिन आप उनको इम्प्लीमेंट इंप्लीमेंट करना ओके okay? बच्चे कहते हैं सर गवर्नमेंट के अंदर बहुत बड़ा इशू है इम्प्लीमेंटेशन का ओके okay? स्कीम अच्छा है ये बहुत अच्छी है पॉलिसी भी बहुत अच्छी है बच्चे कहते हैं सर इंप्लीमेंटेशन का इशू है गवर्नमेंट के साथ ही नहीं है हमारे साथ भी इंप्लीमेंटेशन का इशू है ठीक है हम लिखते तो हैं टाइम टेबल बनाते तो हैं कि सुबह इतना उठना है आठ घंटे पढ़ना है लेकिन वो इम्प्लीमेंट कहाँ पर होता है तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए यू नीड दैट कमिटमेंट ओके कमिटमेंट आपको चाहिए कि हाँ यार मुझे निकालना है ये एग्ज़ाम ओके तो दिस इज़ अगेन द पार्ट ऑफ द स्मार्ट स्टडी नोट्स मेकिंग इज़ द पार्ट ऑफ द स्मार्ट स्टडी ओके जो आप ऑब्जेक्टिव अपना टाइम टेबल बना के रख रहे हो तीन घंटे में मुझे ये चैप्टर दो घंटे में ये 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 सब स्मार्ट स्टडी के ही तरीके हैं ओके okay? अब बच्चों को बोला जाता है स्मार्ट स्टडी करो स्मार्ट स्टडी करो स्मार्ट वर्क करो हार्ड वर्क भी है स्मार्ट वर्क तो ये यही वो चीज़ें हैं स्मार्ट वर्क स्मार्ट स्टडी की जो बात हो रही फाइन हाउ टू कवर दैन कॉम्प्रीहसिवली कुछ इश्यूज हैं जिन पे ज़्यादा ध्यान देना है जैसे एनवायरनमेंट करंट अफेयर है इस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है तो उसके लिए देख लो यार एनवायरनमेंट है उस पर थोड़े से दूसरे सोर्सेज आप देख लो थोड़ा सा करंट अफेयर से चीज़ें ज़्यादा देख लो ओके तो ये सब चीज़ें हैं करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया है अगर आप स्टेटिक पोर्शन से डिराइव करते हो 50 परसेंट क्रॉस कर जाएगा इसीलिए मैंने कहा करंट अफेयर को डेली बेसिस पे लेना है क्योंकि तो एक साथ अगर पूरा खाओगे ओके तो पूरे महीने का कुछ लोग तो पूरे साल का खाना एक साथ खाते हैं समथिंग लाइक दिस तो काफ़ी सारी चीज़ें स्किप भी होती हैं कंसेप्चल क्लैरिटी नहीं रह पाती कई जगह पर सो गो फॉर दिस डेली बेसिस पे ये चीज़ आपकी मेन्स में भी अप्लाई होती है एग्जामिनेशन डे फाइनली एग्जामिनेशन डे तो देखो यार एग्जाम डे पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि एक दिन पहले ज़्यादा कुछ मत पढ़ो एटलीस्ट ओके एटलीस्ट शाम तक अपना पढ़ाई जो भी है बंद कर दो क्योंकि मुझे पता है टेम्पटेशन रहती है कि यार ये मैंने चीज़ ये रिवाइज नहीं की ये छूट गया वो छूट गया तो बच्चे उसको पढ़ के जाते हैं और मैक्सिमम टाइम क्या होता है मैक्सिमम टाइम क्या होता है वहाँ से कुछ नहीं आता है कुछ एक आधा क्वेश्चन आ जाता है आ जाता है लेकिन उसके लिए आप पूरी रात रात भर जग जाते हो कोई बच्चा तीन बजे सो रहा है कोई दो बजे सो रहा है दिस इज नॉट गुड क्योंकि अगले दिन एक दो क्वेश्चन वहाँ से आ गया लेकिन अगले दिन उस चक्कर में आपका माइंड फ्रेश नहीं है आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड वहाँ पर नहीं है आप एक एक फियर कॉम्प्लेक्स आपके अंदर वहाँ पर ज़्यादा है आपको प्रॉपर रेस्ट नहीं मिला है ओके वो चीज़ क्या करेगी आपके एग्जाम में पाँच क्वेश्चन गलत करा के जाएगी फाइन अगर आपका वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा है तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं हर साल होते हैं जब आप पेपर एनालिसिस करोगे जो मैंने आपको लिंक uh, दिया था अभी क्लास का स्पेशल क्लास का वहाँ पे भी आप देखोगे मैंने डिस्कस किए हैं ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे कॉमन सेंस प्रेजेंस ऑफ माइंड से हो रहा है ओके okay? तो ये क्वेश्चन रहते हैं ओके okay? इसलिए प्रॉपर रेस्ट लेके जाना है दिस इज़ अगेन इंपॉर्टेंट यूज़ योर मॉक टेस्ट एक्सपीरियंस ओके कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं क्या करना है ये तीन राउंड्स की स्ट्रेटजी है ये मैं हमेशा बताता हूँ पहले राउंड में आपको वही क्वेश्चन करने हैं जिसपे आप 100 परसेंट श्योर हो आपने क्वेश्चन पढ़ा आप देख रहे हो कि हाँ यार ये या 100 परसेंट है इस पर कोई कन्फ्यूज़न नहीं है ओके तो पहले बार पूरा पेपर देख लो एक से सौ क्वेश्चन और फर्स्ट राउंड में 100 परसेंट जो श्योर हो उसको कर दो और इसी के साथ ऐसे क्वेश्चन को भी करो जिसपे आप क्योंकि आपको पढ़ने तो सारे ही क्वेश्चन पढ़ेंगे ना इसी के साथ ऐसे क्वेश्चन को भी कर दो क्रॉस कर दो जहाँ पर आपको है कि ये तो हंड्रेड करना ही नहीं है मुझे ओके तो जो आपने कर दिया है उस पर तो टिक लग ही जाएगा जो आपको नहीं करना है अब सेकंड राउंड में क्या लोगे जो आपने छोड़े हैं क्वेश्चन ओके जिसपे आपको क्या होता है जैसे क्वेश्चन रहता है ना वन स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू थ्री कौन सा करेक्ट है नहीं है जिसमें आपको ए बी सी डी में से ए बी सी डी में से आपको है कि यार सी डी ऑप्शन तो नहीं होगा अब आंसर ए होना चाहिए या बी होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन की यहाँ पे बात हो रही है तो उन क्वेश्चन को आपको हिट करना है उन क्वेश्चन को हिट करने के लिए जो स्ट्रेटेजीज थी ओके okay, वो हमने डिस्कस की हुई है आपकी जो स्पेशल क्लास है ओके गेटिंग दिस वहाँ पे है वहाँ पे आपके टेस्ट का एक्सपीरियंस काम में आएगा वहाँ पे आपका रिवीजन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगा क्योंकि वही आपको कॉन्फिडेंस देगा कि यार ये बुक है मैंने अच्छे से कर रखा है इसको ये चीज़ तो नहीं होगी फाइन तो ये इस तरह से राउंड पे जाना है थर्ड राउंड आप ले लो एक बार ओके सेकेंड राउंड के बाद एक बार काउंट कर लो ओ एम आर शीट भर के कि कितने क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किए हैं पूरा पेपर आपने पढ़ लिया थोड़ा आइडिया लग जाएगा क्या आपका एग्जामिनेशन इस पेपर का लेवल है कैसे है फिर थर्ड राउंड पे देख लो कौन से क्वेश्चन है कितना रिस्क आपको लेना है नहीं लेना है ये सब चीज तो ये पूरा आपका स्ट्रेटजी हमने डिस्कस किया है सिक्स मंथ स्ट्रेटजी बहुत डिटेल के अंदर मैंने बताया आई होप ओके आपको ये हेल्प करेगा एंड डेफिनेटली ये चीज़ें तो हैं ही लेकिन ये भी इम्पॉर्टेंट है ओके okay, कि आपको अपना फिजिकल हेल्थ है उसको भी थोड़ा ध्यान से रखना है अभी जो गवर्नमेंट का मोटो है ना फ़िटनेस uh, का डोज आधा घंटा रोज तो उसको रखना है फ़िटनेस का डोज आधा घंटा रोज फिजिकली फ़िट नहीं रहोगे तो फिर मेंटल फैकल्टी uh, भी प्रॉपर काम नहीं कर पाएगी ओके फिजिकल फिटनेस इज देयर ओके स्टेमिना आपका थोड़ा होना चाहिए पॉजिटिव वाइब्रेशंस रहते हैं कुछ भी कर लो योगा प्राणायाम फिजिकल एक्सरसाइज जिम अगर जा पा रहे हो अभी कोरोना में तो भी जा सकते हो सो so, ये सब चीज़ें हैं फाइन डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी ऑल थिंग्स आर देयर पॉजिटिव रही है एंड दिस इज़ all ऑल okay, ओके ऑल ऑफ़ यू छः महीने आपके बच रहे हैं अच्छे से तैयारी कीजिए ट्वेंटी सेवन्थ को आपका एग्ज़ाम है वापस से पूरा रेपअप कर देता हूँ पूरी स्ट्रैटेजी सलेबस आपको कवर करना है लेकिन सलेबस कैसे कवर करना है ये मैंने बता दिया है प्रीवियस ईयर के पेपर एनालिसिस आपको देखने हैं स्पेशल क्लास के बारे में मैंने बता दिया था ओके okay? और स्टैंडर्ड सोर्सेज को पहले फ़ॉलो करना है पहले उसको ढंग से फॉलो कर लो उसके नोट्स बना लो उसको रिविज़न कर लो उस टॉपिक से क्वेश्चन कर लो फिर उसके बाद में ही एक्सटेंशन आपको करना है ओके स्टैंडर्ड बुक्स शॉर्ट नोट्स फिर uh, अगर आप जब रिवीजन करने जाते हो एक चीज़ और ऐड करूंगा जब आप रिवीजन कर रहे हो तो आप क्वेश्चंस uh, के थ्रू रिवीजन करो ओके एम के थ्रू क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन करो उससे क्या होता है प्रैक्टिस भी हो रही है रिवीजन भी हो रहा है ओके okay? इसको कहते हैं एक्टिव लर्निंग फाइन एक्टिव लर्निंग तो ये हेल्प करता है सो so, uh, ये सब चीज़ें हैं दिस इज़ ऑल हियर सो ट्राई टू इम्प्लीमेंट ओके अगेन इम्प्लीमेंटेशन इसको करिए ओके okay, क्योंकि आप प्रशासन में जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बनने जा रहे हैं तो वहाँ पर भी इम्प्लीमेंटेशन uh, का इशू है तो वहाँ पर अगर आज आज आपका इम्प्लीमेंटेशन अच्छा है तो वहाँ पर भी आप इम्प्लीमेंटेशन अच्छा करोगे सो दिस इज़ ऑल हियर सो नाउ लेट्स रैप अप द सेशन हियर एंड लेट मी ब्रीफ यू अगेन वंस अगेन ये जो आपका सिक्स मंथ का ये जो कोर्स हो रहा है जीएस बैच कोर्स यूपीएससी प्रीलिम्स एस ट्वेंटी वन के लिए दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पंद्रह दिसंबर से ये आपका स्टार्ट हो रहा है ओके okay? 15 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है स्पेशली uh, अगर आपको लग रहा है नहीं हो पा रहा है समथिंग लाइक दिस तो यहाँ पे आप जुड़ सकते हैं फाइन इस तरह से आपका ये पूरा कोर्स कंप्लीट होगा और जो 22 वाले बच्चे हैं उनके लिए पूरा ईयर uh, का बैच कोर्स स्टार्ट हो रहा है ओके okay? 23 वाले 23 में जो अटेम्प्ट दे रहे हैं उनके लिए भी ये कोर्सेस इस तरह से स्टार्ट हो रहे हैं सो so, uh, किस तरह से एनरोल करना है ओके okay? सब्सक्रिप्शन uh, का जो लिंक है जो बच्चे सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं प्लस प्लेटफॉर्म पे देखिए प्लस प्लेटफॉर्म पे आने के फायदे क्या हैं एक तो जितने भी एजुकेटर अकेडमी पे सबका एक्सेस एक ही जगह पे है ओके जितने भी कोर्सेज हैं सब आपको वहां पे मिल रहे हैं अनलिमिटेड टेस्ट प्रैक्टिसज वहाँ पे मिल रही हैं फ्री मॉक टेस्ट आपको मिल रहे हैं उनका एनालिसिस मिल रहा है ओके ये सब चीजें हैं तो सारे रिसोर्सेज एक जगह हो जाते हैं प्रिपरेशन इंटेंस हो जाती है फोकस्ड हो जाती है ओके डाइवर्जन नहीं रहता सो ट्राई टू गेट दिस अगेन दिस इज़ वेरी अफोर्डेबल ओके फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप वन ईयर के लिए जा रहे हैं गो फॉर दिस वन ईयर टू ईयर कोर्सेज ओके तो सब्सक्रिप्शन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाता है ओके okay? और वहाँ पर जब आप क्लिक कर रहे हो यू नीड टू चूज़ योर प्लान वन ईयर है टू ईयर है एंड देन यू नीड टू पुट दिस कोर्स दैट इज़ आर बी लाइक ओके टू गेट दिस टेन परसेंट डिस्काउंट फॉर एग्ज़ाम्पल वन ईयर का आपका फ़ीस फोटी नाइन थाउजेंड है ये फोटी फोर थाउजेंड पर आ जाता है सो अगेन दिस इज वेरी मच अफोर्डेबल हियर यू आर पेइंग अराउंड थ्री थाउजेंड सेवन हंड्रेड समथिंग पर मंथ साढ़े तीन हजार रुपये के आसपास सो दिस इज अफोर्डेबल एंड दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ इनोवेशन ओके इनोवेशन की वजह से पॉसिबल है सो गो एंड गेट द बेनिफिट ऑफ दिज कोर्सेज एज वेल ओके सिमिलरली यू कैन ऑफ फॉर आइकोनिक एज वेल ओके आइकॉनिक भी है एंड दिस इज द कोर्ड फॉर यू दैट इज आर बी लाइफ टू गेट टेन परसेंट एंड पर्सनलाइज गाइडेंस ऑन द प्लस प्लेटफॉर्म सो दिस इज़ ऑल हियर दिस इज़ द टेलीग्राम ये आपका जो टेलीग्राम ग्रुप है ओके okay, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा बिकॉज यहाँ पे आप अपने डाउट्स प्लेस कर सकते हो यू कैन इंटरेक्ट विथ मी एज वेल ओके बहुत सारे यहाँ पे तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनके साथ आप कॉन्टैक्ट में रह सकते हो अपने डाउट प्लेस कर सकते हो एंड यू विल गेट एक्सेस टू माई सेशंस एज वेल जो डेली करंट अफेयर के सेशनस हैं मैराथन सेशनस हैं ओके इस तरह के इन सेशंस को आप यहाँ पे मिल जाएंगे आपको रिसोर्सेज पी डी ये सब यहाँ पे मिल जाएंगे सो so, uh, डू ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप एंड दिस इज ऑल हियर एंड प्लीज़ अगेन लेट मी रिमाइंड यू ये देख लेना डिटेल्ड एनालिसिस है कैसे देखना है बता दिया मैंने आपको स्पेशल क्लास के सेक्शन में इस लिंक पर फॉलो करना कि प्रोफाइल पर इस तरह का पिक्चर दिखेगा सो फाइनली दिस इज़ ऑल एंड लेट्स रेप अप दिस सेशन अगेन ओके ट्राई टू इम्प्लीमेंट जो भी हमने बात की है इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए ओके प्रिपरेशन को सिंपल रखी अपने गोल्स जो भी हैं डेली बेसिस पे वीकली मंथली ईयरली इवन लाइफ के गोल हैं उनको बिल्कुल ऑब्जेक्टिव वे में रखो जितनी ज़्यादा ऑब्जेक्टिविटी रहेगी मतलब माइंड में क्लैरिटी रहेगी उतना ही ज़्यादा चांस रहेगा अचीव करने का वेगनेस रहेगी तो फिर चीज़ें उतनी रिजल्ट uh, आ नहीं पाएगा फाइन सो so, uh, क्योंकि हम हम लोग थोड़े uh, सुस्त हो जाते हैं कि अच्छा यार बाकी अगर ऑब्जेक्टिविटी रहती है दिमाग में वो क्लिक करता रहता है बार बार ओके ये करना है ये करना ये करना जैसे क्रिकेट uh, के अंदर होता है ना टारगेट आपके पास रहता है समथिंग लाइक दिस सो दिस इज ऑल हियर एंड विद दिस सेशन ऑल ऑफ यू ऑल द वेरी बेस्ट आई होप यू सेशन स्ट्रैटेजी आपको हेल्प करेगा आई टुक दिस सेशन बिकॉज आई वॉज गेटिंग सो सो मैनी इंडिविजुअल क्वेरीज रिगार्डिंग कि सर ये कैसे करना है कैसे करना है सो दैट सर दिस इज द सेशन एंड दिस इज़ ऑल यर ऑल ऑफ यू ऑल द वेरी बेस्ट गॉड ब्लेस यू